बॉस बॉस रुको बॉस बॉस रुक जाओ बॉस। नहीं रुकूंगा। आत्महत्या करना महापाप है बॉस। रोज मरने से अच्छा है कि आज ही मर जाऊं। ऐसा नहीं करते बॉस। आपके फ्रेंड्स के लिए आपको जीना पड़ेगा। मेरे फ्रेंड्स सॉरी, अपने दोस्तों के लिए भी नहीं रुकूंगा। बॉस बॉस प्लीज मेरी बात तो सुनिए बॉस। क्यों सुनूं मैं तेरी बात? तू कितनी भी कहानी सुना ले, कितना भी डायलॉग बना ले, मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा, समझा कि नहीं? ऐसा बोलोगे तो कैसे चलेगा बॉस? अपने स्टाफ के बारे में तो सोचो। स्टाफ? सोच लिया, मैं रुकने वाला। है? तो फिर जो हमने एडवांस दिया था कम से कम उसके बारे में तो सोचो। एडवांस किसे दिया मैंने? रुकने के लिए थैंक्स बॉस। आपके चेहरे पर हंसी देखने के लिए मैंने कॉमेडियन की तरह कितनी मेहनत की है पता है क्या आपको? पागल कहीं का। मुझे हंसाने के लिए क्या? नहीं बे, इधर आ, तुझे भी साथ ले जाने के लिए। हे भगवान! म्याऊ म्याऊ, इतने ऊपर से कूदा रिकॉर्ड बनाने के लिए ना? नहीं, अर्थी पर चढ़ने के लिए। हाँ? बहुत फिल्मी जैसा लग रहा है ना। आत्महत्या करने के लिए स्विमिंग पूल में कूदा है तो इसके पीछे जरूर कोई कॉमेडी स्टोरी छुपी है। म्याऊ म्याऊ म्याऊ, पहले बाहर आ जाओ फिर बताता हूँ। बाय द वे, मेरा नाम बिल्ली पुल्ला राव है। मेरी बीवी बिल्ली पुल्लम्मा, इसका नाम बिल्ली राजा। आपके घर का नाम बिल्ली है क्या? म्याओ म्याओ। क्या है ना, हमारे घर में बहुत सारी बिल्लियां हैं, इसीलिए ये नाम पड़ा। बाय द वे, अभी तुम दोनों आत्महत्या करने के लिए क्यों जा रहे थे? मैं नहीं जा रहा था, बहुत जा रहा था, मैं तो बचाने गया था। अब दिखने में तो तुम बिल्कुल कॉमेडी कार्टून के हीरो जैसे हो, तो फिर तुम मरना क्यों चाहते हो? म्याओ। नहीं सर, वो सलमान खान के फिल्म का मॉर्निंग शो टिकट नहीं मिला इसलिए क्या? नहीं सर, मैं हमेशा ब्लैक में खरीदता हूँ। मैं समझ गई जी। उम्र ज्यादा हो रही है ना, लव में फेल हुआ होगा। क्या बात कर रही है, मैंने हमेशा टॉप किया है। फिर उस लड़की से शादी करनी चाहिए थी। हेलो, ऑलरेडी ये उनसे शादी कर चुके हैं। तो फिर तुम आत्महत्या क्यों करना चाहते हो, इसके पीछे कारण क्या है? ये बेवकूफ चूहा सर। चूहा? चूहे की वजह से आत्महत्या करना चाहते हो? चूहे की दवा खाकर आत्महत्या करने वालों को तो मैंने बहुत बार देखा है, लेकिन चूहे की वजह से आत्महत्या करने वाले को पहली बार देख रहा हूँ मैं। देखो तो ऐसे हंसिए मत सर, मेरी कहानी सुनकर आप रो दोगे। इतनी एक्साइटिंग है क्या तेरी स्टोरी? क्या है उस चूहे की स्टोरी? उस चूहे के बारे में बोलने से पहले एक शेर के बारे में बोलना चाहता हूँ। शेर? उस शेर का नाम है चक्रवर्ती। सूरज टाइम पर निकलेगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन ये चक्रवर्ती टाइम पर ही पहुंचता है। एक दिन इसी पंचुअलिटी से वो मरेगा। इस नगर को क्या हो गया? चारों तरफ धुआं ही धुआं है। अरे मार क्यों रहे, मार क्यों रहे? वो नगर से दूर एक बहुत बड़े साम्राज्य को चलाता है। ये है उनका फार्म हाउस। यहाँ ढेर सारे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं। हेल्थ के लिए अलग अलग फूलों के पौधे भी लगाते हैं। जबरदस्त इनकम। शहर के बहुत सारे फ्लोरिस्ट के पास यहीं से फ्लावर की सप्लाई जाती है। इन द सेम टाइम कंडीशंस भी अप्लाई होती है। कंडीशंस? हाँ सर, कंडीशन के बिना तो वो अपनी बीवी से भी नहीं मिलते। हा? अब वो कैसी कैसी कंडीशंस रखते हैं ये जानने के लिए चलते उनके फार्म हाउस। आप इन्हें मजदूर समझ रहे हैं क्या? गलती मत कीजिएगा, ये है चक्रवर्ती की बीवी सामंता। ओनर की वाइफ एक लेबर की तरह क्यों हो गई यही सोच रहे? आइए उन्हीं से पूछ लेते हैं। क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हो? मेरे पति ने शर्त रखी थी कि घर में एक भी कॉकरोच नहीं होना चाहिए, लेकिन एक दिन उन्हें अचानक एक कॉकरोच दिखाई दिया। मैं उनकी शर्त पूरी नहीं कर पाई, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ रोज आकर मजदूरों के साथ काम करने की पनिशमेंट दी है। दादी अब तुम बताओ। सही में बेटा, अभी काम छोड़कर तुमसे बात करते हुए देखा तो इसे ईमानदारी से काम ना करने की कंडीशन में 10 साल की पनिशमेंट मिल सकती है। मैं बहुत थक गया, अभी आप लोग बताओ कि आप कौन हो दादी? मैं कौन हूँ? उस बेअकल की बदनसीब माँ हूँ मैं। मुझे यहाँ पर देख लिया तो इसके साथ साथ मुझे भी पनिशमेंट मिल जाएगी। उतना ही नहीं सर, कुछ भी बोलने के पहले मटका जरूर फोड़। तू कौन है बोलने वाला कि मेरी धर्म पत्नी अच्छा खाना बनाती है? मटका फोड़ के ही बोलता हूँ। समझ गया ना सर, ये है उनका कैरेक्टर। कैरेक्टर समझ में आ गया, लेकिन स्टोरी क्या है समझ में नहीं आई। तू ऐसे ब्रेक्स में बोलेगा तो उसे लिंक करके समझने में बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, ठीक। तू उसे एक फ्लो में बता। फ्लो में बताऊंगा सर। सर मैं एक सैडिस्ट हूँ। सर सर मैं फ्लोरिस्ट और ये मेरा असिस्टेंट। हाय, अब उसकी जरूरत नहीं है। हम दोनों सुबह सुबह उठकर बाथरूम के पास जाके चुप हो जाना। दोनों सुबह उठकर फार्म हाउस पे फ्लावर्स लाने गए।
ये बालू अभी तक क्यों नहीं आया? गुड मॉर्निंग गुरुजी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वाह वाह, बिल्कुल करेक्ट टाइम पर आए हो। भगवान के मंदिर में लेट हो सकता है, लेकिन आपके पास आने में लेट कभी नहीं हो सकता। क्या बोल रहे हैं? That is गुरुजी। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। God bless you। तुम मुझे बहुत पसंद आते हो, इस निकम्मे की तरह नहीं हो। जाने दीजिए गुरुजी, किसी लड़की को पसंद नहीं आया, कम से कम आपको तो पसंद आया। क्यों नहीं पसंद आओगे? तुम सबको पसंद आते हो। तुम्हारे लिए भी कोई लड़की जरूर कहीं ना कहीं पैदा हुई होगी। आपका दिल बहुत बड़ा है सर, इस थोबड़े के साथ भी इतने बड़े बड़े सपने। गुरुजी, मटका फोड़ कर ही मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए कोई ना कोई लड़की जरूर इंतजार कर रही होगी। सच में क्या गुरुजी? इधर मत देखो, उधर देखो। Congrats to both. Thank you. डेकोरेशन तो बहुत अच्छा किया है तुम दोनों ने। कौन है? सॉफ्टवेयर ऑफिस है। लेट हो गया है, वो हम पर कहीं चिल्लाए ना। चिल्लाने का मौका नहीं दूंगा। हेलो मैडम, मॉर्निंग में ओपनिंग बोला था, सब तैयार है ना? हम लोग तो कब से रेडी है, तुम लोगों का वेट कर रहे हैं। कहाँ पर हो तुम? हमारा क्या है, 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। जस्ट ऑन द वे। आप अपनी तैयारी कर लीजिए मैडम। क्यों मैडम, सब तैयार है ना? कहाँ थे तुम लोग, कब से वेट कर रही हूँ? बुके को चूहे ने काट लिया था मैडम। चूहे ने काटा? फिर से उसे बनाने में थोड़ा लेट हो गया मैडम, आई एम सॉरी। ठीक है चलो। रुकिए, ये क्या है बॉस, चूहे ने काटा है, झूठ क्यों बोला आपने? अबे बोल दिया तो चूहे को बुरा लगेगा। मैंने क्या बोला, छोड़, तू चुपचाप अपना काम कर, चल आजा साथ में। सपना, क्या हुआ तुझे? उस रूम में चूहा है, मुझे चूहों से बहुत डर लगता है। अरे चूहे को देखकर डर गए आप? डरिए मत, मैं हूँ ना आपके साथ। अगर आपने छोड़ा नहीं तो ये और भी डर जाएगा। आप इतने से चूहे से क्यों डरती हो? वो चूहा जो हम लोगों को देख करके इधर उधर भागता रहता है, किचन में चुपचाप जा करके रोटियां कुतरता रहता है, थोड़ा सा भी साउंड हो जाए तो किसी बिल में घुस जाने वाला चूहा, इस दुनिया का ऐसा जीव जो सबसे बड़ा डरपोक है, आप उससे डरती हो? चूहों के बारे में आपको नहीं पता है लगता है। क्या बात है बॉस, चूहे में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हो? अबे तू अपनी बकवास बंद कर। वो है बेसन का लड्डू और मैं हूँ मक्खन। जब वो मुझसे लिपटी थी तो मैं तो पिघल ही गया था, जब वो चली गई तो मैं वापस जम गया। सपना, तुम्हें जाकर वो कॉक निकालो। फिर से मक्खन पिघल कर घी बन गया क्या? मैं फिर से पिघल गया यार। सोचता हूँ जिसने उसे पैदा किया है, मैं जाकर उसके पैर छू लूं यार। देखो बेटी, तुम्हारा अपना इतना बड़ा घर है, फिर भी शहर में हॉस्टल में रहकर पढ़ती हो। हफ्ते में तुम्हारा सिर्फ यहाँ एक बार आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
तो फिर मैं आना ही बंद कर दूंगी डैडी। अरे नहीं बेटी, ऐसी बात मत करो, मेरा हार्ट रुक जाएगा बेटी। नहीं तो फिर क्या डैडी, जब भी आती हूँ आप यही बातें करते हैं। वही बात नहीं करता, मैं तुमसे प्यार भी बहुत करता हूँ बेटी। तुम दूर कॉलेज में रहती हो तो मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। तुम्हारा हॉस्टल में रहना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी तुम्हें वहाँ पढ़वा रहा हूँ, क्या करूँ, बहुत मजबूरी है। एक महीने बाद मेरी एग्जाम्स खत्म हो रही हैं, तब यहाँ आऊंगी, और जब तक आप मेरी शादी नहीं करवाते तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी। ओके ना? मेरी प्यारी बेटी सपना, जल्दी से नहा कर आ जाओ, नाश्ता तैयार है। मुंह बंद करो अपना, मजदूर हो तुम, मालकिन के साथ बात कर रही हो, उसे आने जाने के लिए कर रही हो, तभी से बात करो इससे। ये मेरी बेटी है जी। लेकिन तुम तो अभी मजदूर हो ना। मटका इसका नाश्ता इसकी माँ नहीं लगाएगी, मेरी माँ लगाएगी। दादी माँ, मैं आपसे एक बात पूछूं, आप गलत तो नहीं समझेंगे? एक क्या सौ बात पूछो। मेरे डैडी जैसे अजूबे को कैसे पैदा कर दिया आपने? ये डाउट मुझे भी हुआ 1,99,000 बार। हा? बहुत बार सोचने के बाद मैं समझ गई। क्या समझ गई? मेरे फूटे कर्म के वजह से तेरा बाप पैदा हुआ। सासू माँ, मेरे पति को ऐसा मत कहिए, वो सुनेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। क्या मम्मी, डैडी की वजह से आप इतना परेशान रहती हैं, फिर भी उनकी तरफदारी? पतिव्रताओं को ऐसे ही करना पड़ता है। तो फिर ये बताओ अब आप क्या करोगी? क्या करूंगी मतलब, हमेशा अपने पति का साथ दूंगी। इतना होने के बाद भी? देखो बेटी, हा? एक पतिव्रता पत्नी जो करती है वही तेरी माँ करेगी। और वो क्या करती है दादी? वो क्या है ना, वो तो अपने पति को डांटती नहीं है, तो सारा गुस्सा मुझे पर निकालती है। मैंने कहा ना कि मैं शाम को आऊंगा। हाँ रखता हूँ। अंकल अंकल अंकल। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। रुको। आज के दिन हमें 2-3 शॉप में जाना है बॉस। मैं हूँ, मेरी आंखों की तरफ तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम कुछ उस टाइप की हो मैं क्या? उस टाइप का नहीं हूँ गुरुजी। तो किस टाइप के हो? वो क्या है कि जब मैंने आपको देखा तो मुझे आपके अंदर कोई और दिखा। तुम्हें तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं, किसी अच्छे से डॉक्टर को जाकर दिखाओ, कहीं किसी और को भी ना उठा लेना तुम। बोले तो गुरुजी, एक्चुअली हुआ ये था कि एक बार जरा उधर देखा। थैंक्स। चूंकि वो मक्खन पिघल कर अब घी बन गया है, तो तुम भी उस मक्खन से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गए हो। दो बार मैं कनेक्ट हो चुका हूँ गुरुजी, लेकिन वो एक बार भी कनेक्ट नहीं होगी क्या गुरुजी? क्या बात कर रहे हो, अगर तुम दो बार कनेक्ट हो चुके हो तो वो एक बार भी क्यों नहीं कनेक्ट होगी तुमसे? डाउट है, जरूर होगी। मुझे उस पर यकीन नहीं हो रहा है गुरुजी। ऐसी बात है, ये लो। कनेक्ट होगी या नहीं होगी? अबे जल्दी कर, कस्टमर्स के आने का टाइम हो रहा है। हाँ, रेडी बॉस, हो गया। हेलो। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? मक्खन पिघल के घी बन गया लगता है। ये क्या कह रहे हैं? वो बताएंगे। आप यहाँ कैसे आई जी? मुझे एक अच्छा सा बुके चाहिए। यहाँ के सारे ही बुके ब्यूटीफुल हैं, हम एवरेज बनाते ही नहीं। सपोज आप अपनी गर्लफ्रेंड को एक बुके गिफ्ट करना चाहते हो, तो जैसा बुके आप बनाएंगे वैसा ही चाहिए। अगर मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है तो ऐसा वाला दूंगा। बहुत अच्छा है। अच्छा कॉम्प्लीमेंट कार्ड है क्या? है जी, कॉम्प्लीमेंट कार्ड भी कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या नाम लिखूं? मैं जो बोल रही हूँ वो लिखिए। आई आई लव लव
यू बालू बाल सॉरी जी, मुझे तो कुछ और ही नाम सुनाई दे रहा है। वन सेकंड ना, फिर से एक बार बोलिएगा। आई लव यू बालू बालू। सच कह रही हूँ, आई लव यू। सपना, कौन सा शैम्पू यूज करती हो सपना? कामचोर भाग। सपना गले लग जाओ। ऐसी बात है? हाँ गुरुजी। उस लड़की ने आई लव यू कहा? तीन बार उसने बोला आई लव यू आई लव यू आई लव यू गुरुजी। क्या बात है? तो भी इस लड़की के पापा ने कोर्ट में काम किया होगा। हाँ किया होगा। रुको बोलता हूँ। किसको गुरुजी? उसके पापा को? नहीं, प्रोडक्शन मैनेजर चिन्ना राव को। हेलो चिन्ना राव जी, मैं बोल रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके सीताराम जी से एक गाना लिखवा कर भेजिए। तक्षशिला गए हैं क्या? तो फिर चंद्रबोस से लिखवा कर भेज दीजिए। वो नौटंकी देखने गए हुए हैं? तो फिर एक काम कीजिए, किसी दूसरे अच्छे राइटर से लिखवा कर आप मुझे भेज दीजिए। रिकॉर्डिंग कब होगी पूछ रहे? अभी के अभी तो शूटिंग करनी है मुझे। अगर और डिटेल्स पूछेंगे ना आप, तो फिर मैं मटका फोड़ कर नहीं बोलने वाला, सीधे आपको फोड़ कर बोलूंगा। फोन रखिए। अरे तुम अभी तक यहीं पर हो? तुम्हें उस लड़की के साथ लोकेशन पर होना चाहिए था। ओके गुरुजी। अरे हमारे गुरुजी, मेरे डैडी। तेरा बाप कितना बड़ा पागल है तू जानती है ना? तो प्यार करने की हिम्मत कैसे की? प्यार ना करने के लिए तो कोई कंडीशन नहीं रखी है ना दादी माँ। अरे वो पहले से कंडीशन थोड़ी रखेगा बेटी, बाद में रखेगा, इसीलिए संभल कर रहना चाहिए। ऐसी लड़की को पैदा करने की पनिशमेंट में वो मुझे एक और लड़की पैदा करने को कहेंगे। तो फिर वो क्या कहेगा ये जानने के लिए उससे बात तो करनी ही पड़ेगी। वो तो पत्थर की तरह बाहर लॉन में पड़ा हुआ है। जो होना है वो तो होके रहेगा। मैं पहले थोड़ी बात शुरू करती हूँ, बाद में देखते हैं क्या होता है। तो चल मेरे साथ। गौर से देखो, लड़का चाकू के जैसा है। वो चाकू के जैसा है या हथौड़ी जैसा है ये मैंने नहीं पूछा। मुंह बंद करके वो करो जो मैं कह रहा हूँ। तुम बस स्टॉप की तरफ जाओ। तुम रेलवे स्टेशन में इंतजार करो। तुम एयरपोर्ट के पास उतना बजट नहीं है। तुम उसके घर पर नजर रखो। किसी भी हालत में वो इस शहर को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। और जैसे ही वो दिखाई दे उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे सर। जब इतनी जल्दी क्या है तुझे? उसके टुकड़े टुकड़े करके मरवा दूं? ऐसे विलेन वाली फैमिली दिखते हैं क्या तुम्हें? हम कॉमेडी वाली फैमिली है। इज्जत से शादी के लिए हाँ कहा? ये बात तुम लोग उस लड़के से जाकर बोल दो। होने वाला दामाद है वो मेरा। तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? ये लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। यकीन नहीं कर रहे? अब तो यकीन करेंगे। क्यों मान गए ना? मान गए सर। हाँ लेकिन आप छोटी सी बात के लिए इतना बिल्डअप क्यों दे रहे? जाके डायरेक्ट बात कीजिए ना। अगर मैं जाऊंगा ना तो अपना ही मटका फूटेगा। और दूसरी बात ये कि वो मुझसे बहुत डरता है। मैं जाऊंगा तो वो डर कर भाग जाएगा, इसीलिए बिल्डअप। तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? जाओ जाओ जाओ, उसे पकड़ कर लाओ। डैडी थैंक यू, डैडी थैंक यू सो मच। तुम डर गई थी कि मैं नहीं मानूंगा। तुम मेरी जान हो बेटा। दुनिया में किसी के लिए भी कंडीशन रख सकता हूँ मैं, पर अपनी जान के लिए कोई कंडीशन नहीं रख सकता। तुम हमेशा खुश रहो बेटी, इसीलिए शादी के लिए हाँ कर दिया। कल ही होगी एंगेजमेंट। जैसे ही घंटा टन करके 10 बजाएगा बालू यहाँ पहुँच जाना चाहिए। ठीक है डैडी। इस बात पर कंडीशन जरूर अप्लाई होगा। ओके डैडी। अब तू मेरे बेटे जैसा लग रहा है। क्यों मम्मी, मुझे मेरे बाप की दूसरी बीवी का बेटा समझ रही थी? बदमाश कहीं का, शर्म नहीं आती तुझे? तेरे पापा तो श्री रामचंद्र जी जैसे थे, पर पहले तो आपने उन्हें कृष्ण कहा था। थोड़ी इमोशनल हो गई थी। पापा ने तुम्हें बेवकूफ बनाया होगा। अरे सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे ससुर जी इतनी आसानी से मान लेंगे, मैंने सोचा भी नहीं था। पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कितना झगड़ा होगा, कितनी फाइटिंग होगी, कितनी प्रॉब्लम होगी। मैं तो बहुत परेशान था यार। तुम अब इतना मत सोचो बॉस, सब कुछ तुम्हारे मुताबिक हो गया ना। ए ब्रेक क्यों लगाया तुमने?
अब सब कुछ मन मुताबिक हो गया तो वो सामने गणेश जी का मंदिर है, वहाँ चलकर हम लोग दर्शन कराते हैं, फिर ससुर जी के घर चलेंगे। अबे लेट हो जाएगा तो मेरा ससुर मानेगा नहीं। अरे कैसे लेट होगा बॉस, अभी हमारे पास 1.5 घंटे हैं। अबे तुझे पता नहीं मेरा ससुर पागल इंसान है? इसीलिए तुम्हारा ससुर एक पागल इंसान है, और वो पागल आदमी अपनी पागल पंथी में कुछ गड़बड़ ना कर दे, इसीलिए गणेश जी के दर्शन करके चलते हैं। चलते हैं चल। तुम टेंशन मत लो बॉस। ठीक है, टाइम कितना हुआ? अरे अभी बहुत टाइम है। लेट हो गए तो प्रॉब्लम होनी है यार। अब चिंता मत करो, सही टाइम पे पहुंच जाएंगे। एक्सक्यूज मी, सॉरी 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 सर। क्या बॉस, पहले पूजा तो करो। लेट हो रहा है, अच्छा ना। अरे पहले प्रसाद तो ले लो, फिर चलेंगे। स्वामी जी, स्वामी जी प्रसाद। पूजा पूरी होने के बाद देता हूँ, 10 मिनट जरा वहाँ बैठोगे? बैठ जाओ। अबे यहाँ क्यों बैठेंगे, टाइम हो गया, चलना चल। अरे 1 घंटे का टाइम और है हमारे पास। अरे 1 घंटे में कुछ भी हो सकता है भाई, गाड़ी खराब हो सकती है, ट्रैफिक जाम हो सकता है, टायर पंचर हो सकता है, मेरी शादी रुक सकती है। अरे कुछ भी विघ्न ना हो, इसलिए तो गणेश जी के मंदिर में आए हैं ना। आए हैं, यहाँ बैठे बैठे ये हमारा कौन सा विघ्न हरेंगे? वो बात नहीं है बॉस, ये गणेश जी बहुत पावरफुल है। मेरे ससुर का पावर नहीं जानता तू, उनका हर काम बिल्कुल टाइम पे होना चाहिए। यहाँ का क्या, फिर कभी आ जाएंगे? गलत है बॉस, ये डायलॉग कैंसिल कर दो। कैंसिल नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं लेट तो मेरी शादी कैंसिल। लेट होने से विनायक ने कभी अपनी पूजा कैंसिल की क्या? ऐसी बातें करोगे तो आंखें चली जाएंगी। आंखें जाएंगी तो आई बैंक से ले लूंगा मैं, गर्लफ्रेंड गए तो किस बैंक से लूंगा मैं, ये हो सकता है क्या? गलत है बॉस, तुम भी भगवान के बारे में ऐसी बात करोगे तो। ये भगवान, मेरा ससुर ही मेरा भगवान है। मेरे ससुर खुद के बनाए घर में रहते हैं, और ये भगवान भक्तों के बनाए मंदिर में रहते हैं। मेरे ससुर 24 कैरेट गोल्ड। अभी चुप हो जाओ, आजू बाजू वाले सुन लेंगे तो ऊपर पहुँचा के रहेंगे। कितना भी रोक ले, मैं नहीं रुकने वाला। भगवान प्लीज इसे माफ कर देना, मेरे ससुर ही मेरे लिए भगवान है। प्लीज भगवान, बुरा मत मानिए, मेरे ससुर मेरे लिए सब कुछ है। ओके समझ गया, चुप हो जाओ। समझ गया ना? चल जरा रुक जाइए, अभी 5 मिनट में पूजा पूरी हो जाएगी, फिर प्रसाद लेके यहाँ से चले जाना। पार्सल बना कर रखिए, बाद में आकर के ले लूंगा। टेक अवे, टेक अवे। रुको बॉस। विदूषक मूषक, विदूषक मूषक। अरे भुक्खड़ चूहा, यस बॉस। कितनी बार बुलाना पड़ेगा? आने तक बुलाने का ना बॉस। विदूषक मूषक बोले तो कौन समझेगा, फिर हमें संस्कृत क्यों, हिंदी से ही काम चलाना चाहिए। मुझे इस समय बहुत गुस्सा आ रहा है। आपका चेहरा देख के पता चल रहा है बॉस। मैं इस समय बहुत ही गुस्से में हूँ। अरे अरे आप गुस्से में तो ये क्या कर रहे हैं, उनका पैर नोच रहे हैं, छोड़िए ना। मैं बदला लेकर रहूं। अरे सेप्टिक हो गया तो क्या होगा, अगर उन्होंने पैर रख दिया तो फिर आप कहाँ जाओगे, सोचो स्वामी। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, तुझे क्यों बुलाया मालूम है? मुझे मालूम है बॉस, अपने स्वामी का जिसने अपमान किया ना, उस मूर्ख मानव की तो मैं। क्रोधित मत हो मूषक, उसे इसका ज्ञान नहीं है। तब तो डेफिनेटली अहंकार होगा स्वामी। वो आपको नहीं, अपने ससुर को भगवान मानता है। वो उसे अपनी बेटी देने वाला है, इसलिए नहीं सोचेगा। वो नहीं सोचेगा तो फिर आप सोचो स्वामी, प्रसाद को पार्सल करने को कहता है वो, उसने इसे टेम्पल समझ रखा है या कोई खुला रेस्टोरेंट, जहाँ कुछ भी करेगा उसकी तो मैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए, मूषकों को भगवान और भक्तों के नीचे ही रहना चाहिए। देखिए भक्तों से बचकर और दबकर रहने वाला मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं मानता। खाने को ढूंढने वाला, मुझे नींद नहीं आती है। तुम उससे बदला कैसे लोगे? अलग अलग तरीके से रुला करके ये विश्वास दिला के कि आप ही सबसे अच्छे हैं, उसे ये एहसास दिला के कि उसने गलती की, ये सब एहसास करवा के मैं उसे आपके पैरों में झुकवा दूंगा स्वामी। बस आप आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दे दीजिए स्वामी, मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ। तथास्तु। थैंक यू प्रभु। अब सुन मंकी मानव, माउस कंप्यूटर को चलाता है, कंप्यूटर माउस को नहीं चलाता। अब तूने इस माउस से पंगा लिया है ना, तो देख मैं तेरे साथ कैसा खेल खेलता हूँ। देखता जा, मैं आ रहा हूँ। फिर टाइम हो रहा है बहन। अरे तो इसमें मैं क्या करूं बॉस, सिग्नल होगा तभी ना। क्या हो गया, चलो देखते हैं।
वहाँ भगवान के ऊपर पंच मार रहे थे ना, ये लो अब पंचर हो गया। अरे तो स्टेपनी निकालना। हाँ निकालता हूँ। एंगेजमेंट। डैडी वो लोग आ रहे हैं, अभी ऑन द वे ही है डैडी, आ रहे हैं। ऑन द वे सिर्फ कस्टमर को बोला जाता है, अपने ससुर को नहीं बोला जाता। मटका फूट चुका है। अबे 10 बज गए यार। हाँ हाँ पहुँच गए ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। ये लो चल 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 जल्दी, बहुत लेट हो चुके हैं, पता नहीं कितने मटके फूटे होंगे। चल 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 चल। कुछ नहीं होगा बॉस। 10 बजे बोला था तो 10 बजे आना था। एक सेकंड पहले नहीं चलेगा, एक सेकंड बाद नहीं चलेगा, तो ये रिश्ता कैंसिल कैंसिल कैंसिल। डैडी कैंसिल। डैडी बालू। सर वो उस फूल के बारे में कह रहे हो ना, अगर वो फूल टाइम टू टाइम नहीं खिलता है तो उसे कट कर देना चाहिए। वो नहीं सर, एक्चुअली क्या हुआ कि समझ गया, कुत्ते के बारे में कह रहे हो, उसके भौंकने का भी एक टाइम होता है, वो टाइम पर नहीं भौंकता है तो म्युनिसिपैलिटी वाले उसे पकड़ कर ले जाए। सर मुझे बोलने का, चाहे वो पौधा हो चाहे वो कुत्ता हो, टाइम सेंस जिसके पास नहीं है उसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ता, भले ही वो मेरा दामाद क्यों ना हो। शट अप। वो नहीं सर, आप मेरी क्या बात करोगे, खड़ी टैंकर के जैसे ही 10 बजे का तुम्हें यहाँ पहुँचने के लिए बोला था ना। सर वो बात ये हुई थी कि तुम्हें घड़ी के टंग करके 10 बजते ही यहाँ पहुँचने के लिए बोला था कि नहीं, ये बताओ। ये चमत्कार कैसे हो गया, 10 तो ये सपना है या सच है? ये सच है सर, बिल्कुल सच है। सब जादू जैसा लग रहा है। सुनो, इससे पहले भी घंटा बजा था, तुमने सुना था ना? आपने भी सुना ना? मैंने सुना था। तो मैंने भी सुना, पतिव्रता हूँ ना जी। सुनिए जी, गजेंद्र मटका लेने गया है। तुझे पूछना बेकार है। मम्मी इससे पहले घंटा बजा था कि नहीं? बजा था ना टंग टंग करके। वही तो, मैंने भी यही बोला था, मेरे कान ऐसे ही नहीं बजते। वो घड़ी की घंटी नहीं, मंदिर की थी। मंदिर की घंटी? हाँ डैडी, मैंने भी सुना था। हाँ गुरुजी, आते आते हमने भी सुना है ना। वो चर्च का घंटा होगा। घंटा कोई भी हो, घंटा ही था ना। घंटा 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 जी, घंटा पहुंच गए। अरे बापरे, मैं 10 मिनट लेट हो गया। बापरे मटका फोड़ देगा क्या मालूम, टाइम ही चेंज कर देता। अब 10 बज गए हैं तो लॉयर को भी यहाँ आ जाना चाहिए। आ गया। करेक्ट 10 बजते ही आ गया। चाहिए तो टाइम देख लीजिए। ठीक है, 10 बजे अभी 10 बजे। सब लोग समय पर आ गए हैं ना, तो कार्यक्रम शुरू करें जजमान। उससे पहले एक मुख्य कार्यक्रम यहाँ निपटा लेते हैं, तब तक आप रेडी कीजिए। जी ठीक है। हाँ लॉयर सर, एग्रीमेंट निकाल। एग्रीमेंट क्या सर? वो क्या है कि शादी करने के बाद आजकल लड़के लोग बदल जाते हैं, फूल से पलने वाली लड़की को कचरे में फेंक देते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सावधान रहता हूँ। लॉयर कंडीशन सुनाओ। नंबर 1, गलती से भी मेरी बेटी की आंखों से आंसू नहीं गिरने चाहिए, और तुम्हारी वजह से तो बिल्कुल नहीं। नंबर 2, दारू को छूने का नहीं, पीने का नहीं है। नंबर 3, पराई औरत से रिश्ता जोड़ने का नहीं, और अपनी बीवी को छोड़ के किसी और औरत को देखने का नहीं। ऐसी खूबसूरत बीवी रख के ऐसा क्यों करूंगा मैं? अगर नहीं रखोगे तो करोगे क्या? इसीलिए कंडीशन है। नेक्स्ट। नंबर 4, तेरे घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, और पुलिस स्टेशन ना जाना पड़े। नंबर 5, 6 महीने के बाद में मुझे दादा बनने की खुशखबरी किसी भी हालत में मिलनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। इनमें से कोई भी कंडीशन अगर तुमने तोड़ी तो मुझे 1 करोड़ हर्जाना देना होगा, समझ गए ना? तो यहाँ पे साइन कर दो। अरे रे, सब कंडीशंस तो तेरे ही फेवर में जा रही हैं, मैं तुझे फंसाने वाली कंडीशन बनाता हूँ। ये सब फॉर्मेलिटी के लिए। रुको बॉस, तुम्हारा ससुर कुछ तो फिटिंग कर रहा है, ऐसे साइन मत करो बॉस। फिटिंग नहीं, गेटिंग के लिए, आगे के लिए। मेरी बात तो सुनो। डिस्कशन हो रहा है। कुछ नहीं। क्या हो गया? डर गई है। लॉयर सर, एक और कंडीशन जोड़ो उसमें। क्या सर? बचपन से ही मेरी बेटी चूहे से डरती है। ऐसा क्या? इसलिए जिस घर में मेरी बेटी रहने वाली है उस घर में न चूहा आएगा और न घूमेगा। ठीक है, जोड़ो उसमें। लिखिए सर, बड़े अक्षर में सर। बॉस इस कंडीशन को आप मत मानो बॉस। अरे एक बार घर बस गया तो उसमें चूहा भी आ सकता है, ऐसे साइन मत करो बॉस। अबे पेड़ पर तोता और तालाब में मछलियां तो होंगी ना बे। अरे बॉस कुछ भी प्रॉब्लम ना हो इसलिए कह रहा हूँ। बंद कर, वो सब बाद में देख लेंगे। आप देखिए सर। अरे तेरा बेड टाइम स्टार्ट होने से पहले घड़ी को पीछे घुमा के
तेरी हेल्प किए मैंने कुछ समझा क्या? तेरी शादी करवाने का जाल डाला है। ओ पंडित जी, चलिए शादी की तैयारी कीजिए अब। एंगेजमेंट किए बिना तू शादी की सोच रहा है? अब शादी में होने वाले दुखों को तू पहले से ही देख ले, मैं बताता हूँ तुझे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि। आइए लॉयर साहब। नमस्ते नमस्ते। आइए नमस्ते। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। खाना खाकर जाइएगा सर। जी ये लीजिए। ये क्या है सर? डॉक्यूमेंट्स? मेरे ससुर जी की प्रॉपर्टी मेरे नाम कर रहे हैं क्या सर? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एग्रीमेंट तुम्हें देने को कहा है। सर मटका। आइए आइए। नमस्ते मेले पूजा जी, सब ठीक है ना? सॉरी जी, वो क्या है ना, खतरनाक टीवी शो से आने में लेट। अरे तो क्या बात हो गई, वैसे असेंबली में विपक्ष वालों ने गड़बड़ करके हिला दिया है। उसमें गड़बड़ की क्या बात है, ठंडी का मौसम है, लोग ही हिल रहे हैं। अच्छा जो, आइए 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 आइए, चलिए आइए, चलो गन बेटी। नमस्ते मिस्टर जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए आइए प्लीज। बहुत खुशी हुई आप लोग आए तो। बहुत धूमधाम से शादी कर रहे हो। ये धूमधाम करने के लिए मुझे कितने मटके फोड़ने पड़े ये मैं ही जानता हूँ। आइए सर। अच्छे है ना? ओके 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 ओके। मुझे इग्नोर कर रहे। कोई रहेगा तो मुझे उससे क्या। आइए बैठिए, बैठिए ना, बैठिए कुछ बैठिए। बगल में दुल्हन रहने से काम नहीं चलेगा, मंगलसूत्र चाहिए मंगलसूत्र, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। शास्त्री जी, ये मंगलसूत्र ले जाकर सबके पास से आशीर्वाद लेकर आओ। ओम जगदीश। मंगलसूत्र कहाँ है? अरे अभी यही तो था। अरे कहाँ गया मंगलसूत्र? चक्रवर्ती साहब, मंगलसूत्र नहीं मिल रहा है। अरे कहाँ गया होगा? अरे कहाँ गया मंगलसूत्र? अभी अभी यही तो रखा, यही पर तो रखा हुआ था। कौन ले जाएगा यहाँ? चक्रवर्ती। हाँ सर। क्या हुआ, मंगलसूत्र नहीं मिल रहा? वही नहीं मिल रहा है वो। मुझे तो इसमें विपक्ष वालों का ही हाथ लगता है। बात बराबर की होनी चाहिए, हर बात पर कीचड़ फेंकते रहोगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। कीचड़ नहीं फेंकेंगे तो तुम्हारे सड़े हुए पैरों में फूल चढ़ाएंगे क्या? देखो ये मेरा फ्रंट लेग है, देखो अच्छी तरह से देखो। तेरा ही जयपुर फुट है, लकड़ी है लकड़ी। क्या कहा? हाँ। हमारे सर का लकड़ी का पैर। हाँ, और नहीं तो क्या। अगर हमारे सर का दिमाग फिर गया तो। हाँ, फिरेगा तो हमारी मैडम का क्या बिगाड़ सकते हो? छूकर दिखाओ, दिखाओ छूके। चुप हो जाइए आप लोग, ये विधानसभा नहीं आपका, शादी का घर है ये। अरे पंडित, तूने मंगलसूत्र मिल गया। कहाँ चले गए ये? And 60. ये क्या कर रहे हो? वो वार्म अप रूटीन है मेरा। सपना कितनी खूबसूरत हो पता है? पता है, आईने में देख कर आई हूँ। आशीर्वाद दीजिए। सपना ये क्या रूटीन है सपना? ऐसे पैर छूना, दूध का गिलास लेकर बाजू में रखना, मंगलसूत्र आंखों में लगाना, ये सब रूटीन है, कुछ अलग ट्राई करो ना। नो नो, शर्मा रही हो तुम तो, थोड़ा रूटीन से बाहर निकलो, कुछ अलग करो, बहुत मजा आएगा। हाँ। तो फिर चल बे। नहीं नहीं, उतना भी ज्यादा नहीं है, शर्माना ही ठीक था। दूध के गिलास से शुरू करें क्या? ठीक है ना। तुम्हें देखकर दूध पी रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हवा पी रहा हूँ, कुछ फील ही नहीं हो रहा है। आई दूध कहाँ गया? मुझे क्या पता। शुभ मुहूर्त के हिसाब से सिर्फ 15 मिनट बाकी है, जल्दी स्टार्ट करो। सपना, इस सीन के लिए ही पूरी जिंदगी शेड्यूल की थी मैंने। सच में? हाँ सच में। लाइट से टेंशन हो रही है। लगता है पलंग हिल रहा है।
हम कंटिन्यू करते हैं। पलंग में कुछ हो रहा है, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, लगता है बाथरूम में कोई है। बाथरूम में? चैन सी नहीं, सुहागरा डिस्टर्ब ना हो इसलिए नो एंट्री का बोर्ड लगाया है। वहीं से आवाज आ रही है, एक बार जाकर तो देखो। अकेले जाऊं? क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? चाचा, डर तो मेरे यूरिन में ही नहीं है। तो फिर जाकर देखो ना। तो तुम यहाँ अकेली रहोगी? मेरी टेंशन मत लो, तुम अंदर जाकर देखो। ठीक है। क्या हुआ बालू, कोई है क्या? सामान पूरा नीचे गिरा हुआ है। शावर किसने खोला है? इस एरिया में पानी तो नहीं आता था। इस टाइम में शावर खुलने का टाइमर लगा होगा। क्या ये सब, फर्स्ट नाइट के दिन ये सब काम करना पड़ रहा है। क्या क्या सपने देखे थे मैंने। हार्पिक, डेटॉल, साबुन, ब्रश। सपना, डोर नहीं खुल रहा है। क्या हुआ बालू? क्या ये, क्या हो रहा है? अरे क्या हुआ, दरवाजा नहीं खुल रहा। अरे खुल नहीं रहा, मैं भी जानता हूँ, जाकर चाबी लेकर आओ। हाँ, यहाँ तो पहली नाइट का ही कबाड़ा हो रहा है। छे नहीं खुल रहा है बालू, चाबी से भी नहीं खुल रहा है क्या? नहीं, लगता कहीं स्टक हो गया, जरा देखो तो। तुम्हारी सुहागरात ना बन पाए इसलिए तो दरवाजा अटका दिया मैंने। तो फिर किसी को हेल्प के लिए बुलाऊं क्या? हेल्प? ये भगवान, पहली नाइट में हेल्प मांगेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? तो फिर क्या सुबह तक ऐसे ही रहोगे तुम? तो क्या करें? अब तुम रुको, मैं घर वालों को बुला लूं। चलो बुला लो। डैडी, उस बुढ़िया को मत बुलाना, वो सुहागरात के पीछे पड़ी रहती है। अरे बेटे 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 बेटे, मैं आ गया ना, अब तो रुक जा। दामाजी, ससुर जी, घबराइए मत, मुहूर्त में अभी भी 10 मिनट बचे हुए हैं, तब तक हम लोग निकाल लेंगे। बस बारह, ससुर जी खोलो इसे। तो फिर हटिए ना। हाँ हट रहा हूँ, खोलो जोर से। हट तो, हट तो, दोनों मिलकर ट्राई करते हैं। धक्का मारो, धक्का मारो। तोड़ दूं क्या? तेरा मटका फोड़ दूंगा, धक्का मारने को कह रहा हूँ। कोई फायदा नहीं। क्या हुआ? रुकिए दामाजी, हम ट्राई कर रहे हैं। कितना बदकिस्मत तुम्हें। ए गजेंद्र, हवाले। अरे उस ताला खोलने वाले सुब्बी को लेकर। हाँ ठीक है, अभी लो। ए चल, आजा सुब्बी, आजा 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 आजा, चलिए ताला खोल दे। हाँ मैं आ गया ना, प्रॉब्लम सॉल्व। टकले, तेरे आने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, जब मेरा दामाद बाहर आएगा तब होगी। अरे जल्दी खोल, खोलो। क्या ढूंढ रहे हो? चाबी। अरे चाबी तुम्हारे हाथ में, खोलो ना। ओ लगता है आज पूरी रात अंदर ही रहूंगा। ताला मैं अपनी चाबी से खोलूंगा। अरे पीछे कहीं के, ए उधर खोलो। ताला यहाँ पर लगा हुआ, यहाँ ये देख, इसे खोल ले, खोल इसे। खोल, खोलता हूँ। अरे पहले से इसमें चाबी, ये चाबी मेरी है, अपनी चाबी से खोल। खोल जल्दी खोल। एक क्वार्टर में इतना इफेक्ट दे रहा है ये बेवड़ा कहीं का। ये तो न चाबी से खुलता है ना हथौड़ी से टूटता है। ये कौन सा ताला है? सॉलिड ताला है। उस सॉलिड कंपनी वाले में से उनके लोगों को बुलाओ, वो यहाँ आएंगे, ताला खोलेंगे। यही मेरी सलाह है। तुझे यह सलाह देने के लिए बुलाया है? लगता है ये शादी ही गलत मुहूर्त में हुई है। सही बोला तुमने, उस पंडित का मटका फोड़ता हूँ मैं। सो जा बे, सो जा, तेरी जिंदगी में कमोड पे ही सोना लिखा है, कमोड पे ही रात बिता। अभी तक जो कुछ हुआ है ना, वो सिर्फ सैंपल है, आगे आगे देख क्या क्या होता है। मजाक नहीं हूँ। आइए आइए, आओ सपना। दामाद जी, कैसा लगा घर? बहुत अच्छा ससुर जी, किसका घर है ये? नए परिवार के लिए नया घर है।
इसी समय से ये घर तुम लोगों का। ये लीजिए। मटका फोड़कर बोल रहा हूँ। गृह प्रवेश के समय नारियल फोड़ते हैं, मटका नहीं जी। मटका नीचे फोड़ा है, ज्यादा बोलोगी तो मटका तुम्हारे सर पर फोड़ूंगा। चुप रहो तुम। दामाद जी, सत्यनारायण स्वामी जी का फोटो लो। अब तुम दोनों अंदर जाओ। ससुर जी, घर बहुत अच्छा है। रुको रुको, तुम दोनों अपना दायां पैर रखकर अंदर जाओ। बायां पैर रख के तो पहले मैं अंदर जाऊंगा। इतना अच्छा घर है, कोई भी पैर पहले रख। तुम्हारे जैसा दामाद ही चाहिए मुझे। ये फूल की गाड़ी का डिक्की नहीं है, देख लो। इंद्र भवन है। इंद्र भवन, इंद्र भवन ही है सर जी। नया टीवी, नया सोफा, अच्छा नई डाइनिंग टेबल, खाना खाने के लिए। वेल फर्निश्ड। आ जाओ दामाद जी, आ जाओ। एकदम क्रिकेट ग्राउंड की तरह ससुर जी। बाप रे, कितना बड़ा है। बहुत सुंदर है। देख रही हो ना सपना? इधर आओ, ये रहा तुम लोगों का स्वर्ग। चलो ओके, जाओ। आओ सपना, जाओ। मुझे आशीर्वाद दीजिए ससुर जी। गुड गुड, हमेशा शुभ हो। ओके ससुर जी, जाओ। अरे सपना, इतना बड़ा बेडरूम। वाह। अरे वाह, कितना गुलगुला है। बहुत अच्छा है ना जी। एकदम टाइटेनिक का पोज। अरे ये मूर्ति, इस पर तो कपड़ा ही नहीं है। वो क्या है? तुम अब भी नहीं समझी सपना, इतने बेडरूम में इतना मखमली कॉटन लगा होगा तो पक्का कोई रोमांटिक पेंटिंग ही होगी। मुझे तो ये बात समझ में आ गई, तुम्हारे डैडी बहुत ही रोमांटिक है ना। सनी लियोनी की फोटो हो सकती है। होटल में मेनू कार्ड जैसा, ये क्या सकता? जैसे होटल के मेन्यू कार्ड में हर आइटम का अपना एक रेट होता है ना, उसी तरह इस बोर्ड में हर कंडीशन का अपना एक रेट है। सिर्फ 1 करोड़ रुपया। हाय। क्यों जी, इतने सीरियसली क्या सोच रहे हैं? वही क्या करना है, कैसे करना है। अच्छी अच्छी अच्छी, मैं सुहागरात के बारे में नहीं सोच रहा, वो तो क्लियर ही है। सोच रहा हूँ यहाँ भी वही प्रॉब्लम ना हो। तुम बाथरूम में जाके चेक करो ना। पर क्यों? कहीं यहाँ का भी बाथरूम अंदर जाने के बाद अगर लॉक हो जाता है तो फर्स्ट नाइट की तरह सेकंड नाइट भी डिस्टर्ब हो जाएगी। जाके चेक करो ना प्लीज। मैं जाऊंगी और लॉक हो गया तब भी डिस्टर्ब हो जाएगा ना जी। सही कह रही हो। एक काम करते हैं, बाथरूम में हम दोनों एक साथ जाएंगे। सपना, इस सेकंड नाइट में मेरा हार्ट इतना गर्म हो रहा है जैसे उबला हुआ अंडा हो। उतना गर्म है क्या जी? मामूली गर्मी नहीं है, थोड़ी देर में फूट जाएगा। एक्चुअली वो क्या है कि हल्की हल्की गर्मी से लग रही है। ये गर्मी हमारे हार्ट की नहीं है। फिर किसकी? क्लास में जो दूध है उसकी। अरे बाप रे, अच्छा बहुत गर्म था, जल गया मैं तो। पीछे ना, ये दूध दही पोस्ट प्रोडक्शन में देख लेंगे, पहले तो हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। लाइट ऑफ कर दीजिए ना। वो तो करूंगा ही। आई लाइक इट। एक सेकंड में आता हूँ। ओके ओके, बंद कर रहा हूँ। हाँ करना, बंद करने जा रहा हूँ। ये आवाज कैसी थी? यहाँ नहीं, पड़ोस के घर में थी। पक्का पड़ोस के घर में थी। लाइट फिर से बंद कर रहा हूँ। ठीक है, बंद कर दो ना। तुम डरना मत है, चुपचाप खड़े रहना है। ये आवाज हमारे घर से आ रही है। हम दोनों यहाँ है तो आवाज वहाँ कैसे आ रही है? जाकर देखा हो ना। आप वो कहते हैं ना, लेडीज फर्स्ट, तो पहले तुम जाओ। ठीक है, दोनों साथ में चलते हैं। हाँ वो ठीक है, तुम थोड़ा आगे रहना है, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। बहुत धुआं है, नाक ढक लो। देखिए सारा सामान नीचे गिरा हुआ है। इतना सामान नीचे कैसे गिर गया? पर ये हालत हुई कैसे? तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये सब कैसे हो गया? उधर देखो ना। ये कैसे हुआ सपना? हम लोग यहाँ से चलते हैं, चलो। लाइट कहाँ चली गई? फोन 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 में लाइट है ना, चलाते हैं जल्दी। नीचे से आवाज आ रही है। चलो चलो देखते हैं, देखते हैं, चलो। हाँ।
अब तो पूरी रात भर ऐसे ही चलता रहेगा। घूमो घूमो घूमो। सुहागरात में लोग प्यार में ऊपर नीचे होते हैं, हम तो यहाँ सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ रहे हैं। ऊपर नीचे आते जाते तू अब बहुत थक गया होगा ना, तो फिर थोड़ा आराम कर ले। सपना, मेरा पैर दर्द कर रहा है, अब मुझसे और नहीं होगा। अरे आप यहाँ क्यों बैठे हैं, ऊपर चलिए ना। क्या बात है, रात भर नहीं सोई फिर भी इतनी एनर्जी में काम कर रही है। कमाल की एनर्जी है, मुझे अपने आप को चार्ज करना पड़ेगा। रिचार्ज रिचार्ज। क्या हुआ? नहीं नहीं सपना, वो चिल्ला क्यों रही हो? आप इतना क्यों डर रही हो? कुछ भी तो नहीं हुआ है, सामने मुझे पकड़ लिया पर पीछे से। अरे आप पूरा डिटेल बता दोगी क्या? सपना मुझे लगा कि तुम हो इसलिए मैं। मैडम समझ लिया। हाँ हाँ मैडम समझ करके तुझा। मैडम जी समझ करके। सपना वो क्या है कि तुम घर में अकेली रहती हो ना, तो मुझे लगा कि वो तुम ही होगी, तो मैंने पीछे से हक कर लिया उसे, लेकिन मेरे मन में कुछ भी गलत नहीं था। सपना मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। थैंक यू सपना। अब आप माफ कर दीजिए ना उन्हें, साहब खुश हो जाएंगे। सपना वैसे ये कैरेक्टर है कौन? फार्म हाउस में जो सीतांबा काकी काम करती है उनकी बेटी रोजा है, मुझे हेल्प करने के लिए यहाँ आई। अच्छा है। वैसे तो मैं आपकी भी हेल्प कर सकती हूँ साहब जी। मेरी क्या हेल्प करोगी? आपके बूट पॉलिश कर सकती हूँ, आपके बाइक धो सकती हूँ, आपके कपड़े प्रेस कर सकती हूँ। ठीक है चक्र अपना काम करो। सपना ये काम होने के बाद वो चली जाएगी ना? नहीं हमारे साथ यहीं पर रहेगी। लग गए, वैसे ऑफर तो बड़ा बम्पर था। क्या बात है मैडम, इतना सारा खाना बना रही है, कोई मेहमान आ रहे हैं क्या? नहीं रे, मैंने आज सोचा था कि तुम्हारे सर की सारी फेवरेट डिशेस बनाऊंगी। बिल्कुल सही मैडम, हम साहब को खाना खिलाकर वश में कर सकते हैं। हम नहीं सिर्फ मैं। तुम मुंह बंद करके अपना काम शुरू कर। सपना क्या हुआ? तैयार हो जाओ चलते हैं। पर कहाँ? आज एक होटल में मैंने एक टेबल रिजर्व किया हुआ है, आज वहीं लंच करेंगे। रिजर्व किया है? हाँ। थैंक यू। तो फिर कैंसिल कर दो। वो क्यों? पता है आपकी मनपसंद डिशेस पाया सूप, बैंगन का भरता, चिकन बिरयानी, चिकन फ्राई, ये सब बनाया है मैंने। बाप रे, ये सब तो मेरी पसंद का है, तब तो पक्का होटल जाना ही पड़ेगा। क्या कहा? अरे मेरे लिए इतना एक्सपेरिमेंट क्यों? मतलब मुझे खाना बनाना नहीं आता? अरे मजाक किया था सपना, होटल में प्रोग्राम फिक्स कर दिया। सपना चलो वहीं चलते हैं ना। मैंने इतने मन से सब कुछ बनाया है, आज खा लीजिए ना प्लीज। सपना होटल चलो ना प्लीज, मेरा बनाया हुआ खाना खाओ। लूजर। लूजर? हाँ लूजर क्यों? ब्यूटीफुल वाइफ का टेस्टी खाना छोड़कर होटल में खाने के लिए अगर बाहर जाओगे तो तुम्हें लूजर ही कहेंगे ना? देखो सपना सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। कॉमेडी फेस से सीरियस बोलोगे तो वर्कआउट नहीं होगा। बताता हूँ कैसे वर्कआउट होगा। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, हम लोग होटल में जाकर ही खाना खाएंगे। तुम मेरा बनाया हुआ ही खाना खाओगे, दैट्स ऑल। हम होटल में ही जाएंगे। नहीं तुम घर में खाना खाओगे। होटल में ही जाएंगे। क्यों झगड़ रहे हैं आप लोग? आपका बनाया हुआ सारा खाना टिफिन में ले जाकर होटल में खाएंगे तो चलेगा साहब? घर का खाना लंच बॉक्स में ले जाकर के होटल में खाएंगे, ये कौन सी बात हुई? मुंह बंद करो जा। चलो जाओ। मैं तुमसे फिर से बोल रहा हूँ, पहली बार प्रोग्राम फिक्स किया है मैंने, हमें होटल में जाकर के खाना खाना है। बालू मैं फिर से कह रही हूँ, मैंने तुम्हारी पसंद की सारी डिशेस बनाई है, तुम घर में खाना खाओगे बस। नहीं खाऊंगा तो क्या करोगी? तुम्हें कुर्सी में बैठा कर मुँह में ठूस दूंगी। इतनी रेस्पेक्ट की जरूरत नहीं है, ठूस ठूस कर खाने की आदत नहीं है मेरी। चलो यहीं पे खा लेते हैं। गुड बॉय। मैं 5 मिनट में फ्रेश होकर आती हूँ। आजा आजा। तब तक बुकिंग मैं कैंसिल कर देता हूँ। हेलो, 2 बजे का टेबल बुक किया था उसे कैंसिल कर दीजिए। बचपन से ही मेरी बेटी चूहे से डरती है, जिस घर में मेरी बेटी रहने वाली है उस घर में न चूहा आएगा और न घूमेगा। क्या हुआ बालू? कुछ नहीं कुछ नहीं, अब पैर में कुछ लग गया था। Hey, hey, hey.
तो सारे घर में आवाज करने वाला ये बदमाश चूहा है, है? वो DTS साउंड करने वाला मैं ही हूँ। वो DTS साउंड करने वाला मैं ही हूँ। तू इंसानों की तरह भी बोलता है। इसका मतलब कल रात को हम दोनों की नींद खराब करने वाला तू ही है ना? उतना ही नहीं, सुहागरात के दिन दूध पीने वाला भी मैं ही हूँ। और तुझे बाथरूम में लॉक करने वाला भी मैं ही हूँ। अबे चूहे, तू मेरी जिंदगी से खेलने की कोशिश कर रहा है? हाँ, तो तू क्या कर लेगा? तेरी तो बहुत डायलॉग मार रहा है तू मेरे ऊपर। मैं तुझे गधा दिख रहा हूँ क्या? जाकर आईने में देख ले कि तू कितना गधा है, पता चल जाएगा। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तेरी किधर गया? तू गया बेटा, अब मछले ये रहे। बोल क्या करेगा तू? तू गया यमराज के पास। तुझसे तो मैं तेरी अंतिम इच्छा भी नहीं पूछ सकता। ये अरे बाप रे, जरा पलट तो। कहाँ है बे? तुझे तो मैं अरे ले, अब तो तू भाग नहीं सकता। आ रहा हूँ बेटा। ये सब क्या किया आपने? वो सब मैंने, अगर नहीं खाना था तो ना खाते। इस तरह बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? और आप मेरा सर फोड़ने जा रहे थे। सपना, ये क्या कर रही हो तुम? वो ऊपर जाला था, वही लकड़ी से निकाल रहा था। तो लकड़ी में जाला कहाँ है? सपना, वो कहीं उड़ गया होगा, यहीं कहीं। और ये सारा खाना भी क्या हवा से उड़ गया? नहीं, वो धूल जाला साफ कर रहा था तो कहीं लग कर गिर गया। ऊपर का धूल जाला साफ करने में नीचे का कटोरा कैसे गिर सकता है, बताइए। सर झूठ बोल रहे हैं मैडम, सर को कटोरा फेंकते हुए मैंने अपनी आँखों से देखा है। सपना बस समझ गई, मैंने आपको खाने के लिए होटल नहीं जाने दिया तो ऐसे गुस्सा निकाला आपने। आपको मेरा खाना नहीं खाना है ना? मैं अभी डैडी को कॉल करके सब बताती हूँ। सपना, मेरी बात सुनो। ऑर्डर ऑर्डर, मेरी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। अगर उसकी आंखों में आंसू आए और कंडीशन पूरी नहीं हुई तो मुझे मालू को अपने ससुर को 1 करोड़ रुपया जुर्माना देना होगा, ये फैसला सुनाता हूँ। सपना, हेलो, अपने पापा को फोन कर रही हो क्या? नहीं तो और क्या करूं? आप मुझसे कितना प्यार करते हैं मैं समझ गई हूँ। अरे पगली, पूरी बात समझी भी नहीं और तुम गुस्सा हो गई। औरतें रूटीन से प्यार से खाना बनाती हैं ना, प्यार से परोसती हैं, प्यार से खिलाती हैं। मुझे रूटीन पसंद नहीं, जानती हो ना, तो मैंने सोचा कि थोड़ा रूटीन से अलग किया जाए। नहीं समझ में आया, चलो बताता हूँ। इधर ये प्लेट उठाते हैं, ये भी उठाते हैं और ये भी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? प्यार मुझे तुमसे और तुम्हारे बनाए खाने से है। छोड़ो सपना, ये खाकर मैं अपना प्यार साबित करना चाहता हूँ। होटल में जाकर खाएंगे, चलिए। तो फिर ऐसे क्यों मारा? मेरे प्यार को साबित करने के लिए। तुम भी सपना, पता है जब तुम हंसती हो तो कैसी लगती हो? कैसी लगती हो? जैसे लूज पैंट को बेल्ट लगाकर टाइट कर दिया गया हो। व्हाट?
रूटीन से अलग ही बोला ना। होटल में ऐसे ही जाना है या फिर चेंज भी करेंगे आप? ऐसे क्यों? रूटीन से कुछ हटके। क्या जोक सुनाया तुमने? पहली बार तुमने जोक सुनाया। रात को रोना जो पड़ेगा तुम्हें। क्या कह रहे हो बॉस? चूहे ने तुमसे बात की थी? हाँ यार। बस करो बॉस, ये सब केवल तुम्हारा भ्रम है। अरे चूहा कैसे बात कर सकता है? सच यार, मैंने फेस टू फेस चूहे से बात की है भाई। हाँ, सच में? हाँ। चूहे से बात की? उसकी भाषा तुमने कब से सीख ली? अबे एक लगाऊंगा चक्कर आ जाएगा। फालतू बात करता है। जोक बंद कर, पहले ये बता कि हम क्या करें। जनरली चूहा कैसे आता है बोले तो? अबे तेरा लेक्चर घर में ऑलरेडी चूहा है, उसे कैसे भगाना है पहले ये बता। तू उल्टी सीधी बात करता रहता है। क्या है, न्यू जनरेशन में अगर चूहे को भगाना है तो अपना ओल्ड आइडिया ही यूज करने का। अबे आइडिया बता, उपन्यास मत सुना। उपन्यास बहुत सुने मैंने, आइडिया बता चल। इससे पहले अपने बुजुर्ग लोग चूहे को कैसे पकड़ते थे बॉस? मतलब पिंजरा? हाँ, समझ गए, यही करेक्ट है। न्यू जनरेशन के चूहों को पिंजरे के बारे में पता नहीं है ना। फटाक से आएगा, फटाक से फंस जाएगा चूहा। वाह, तो आज ही पिंजरा खरीदता हूँ मैं, रात को ही रख दूंगा। या क्या बात है। लेकिन सुन, सपना को पता चलेगा तो प्रॉब्लम होगी क्या? दूध में नींद की गोली मिलाकर पिला दोगे तो वो गहरी नींद में सो जाएंगी और चूहा पिंजरे में फंस जाएगा। नया सीएम आने पर भी पुराना काम ही जारी रखोगे? लगा लो पिंजरा, लगा लो। ये सही रहा। मर गया। अरे क्या खाती हूँ, इतना वजन है तुम्हारा। क्या हो रहा है ये सब? अरे कुछ नहीं, घबराओ मत, ये रोजा फिसल गई थी बस। वो फिसली या फिर आप फिसल गए? छे, क्या बोल रही हो, भगवान से डरो, पोस्ते पोस्ते गिर गई थी, मैंने पकड़ लिया बस इतना ही, तुम्हारी कसम। ठीक है, थोड़ा देख कर काम किया कर, समझ गई ना? ओके मैडम, देख कर ही तो कर रही थी। इधर। वो क्या है ना सर, पैर फिसला इसके लिए झूठ बोल दिया, मैं तो चूहे से डर गई थी। बोल देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। हा? चूहा बोल दिया तो भी तुम्हारी मैडम डर जाएगी, इसलिए पिंजरा लेकर आया। पिंजरा लेकर आए हैं, मैं मैडम जी को बताती हूँ, मैडम जी बहुत खुश हो जाएगी। अरे खुशी नहीं होगी, उसे चक्कर आ जाएगा। पिंजरे में चूहे को पकड़ लूंगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। मैं तो पिंजरे के बारे में बोलने वाली थी, चूहे के बारे में नहीं। तेरे बाप ने कभी स्कूल नहीं भेजा क्या तुझे? दिमाग नहीं है, अनपढ़ी बात करती है। ये 100 रुपए रख, अपना मुंह बंद रखना, चल जाए यहाँ से। सिर्फ 100 रुपए मिलने पर इतना खुश हो रही हो? तो अगर मैंने भी थोड़ी सी मेहनत की तो मेरा भी काम हो जाएगा। अरे बाप रे, अभी तक तो नहीं आया है, बहुत नींद आ रही है, क्या करूं? यहीं सो जाता हूं। कौशल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संजा प्रव्रते उत्तिष्ठ नरस दोला कर्तव्य देव्य माणिक्यम। मुझे फंसाने के लिए पिंजरा रखा बे, पिंजरे के पास तो तू ही गिर गया। अब जल्दी कर, उठ जा, काम पर नहीं जाना है क्या? लगता आया ही नहीं। अरे मैंने इसमें कुछ खाने का रखा था ना। गल गया रे, गल गया, सारा पेट में जाके गल गया। किसने बोला? बना रखा था, लेकिन चटनी क्यों नहीं रखी उसके साथ, नमक भी कम था, खाने में मजा नहीं आया। ओ जी, कहाँ हैं आप? बाथरूम में। ये क्या है, पिंजरा तो आ गया लेकिन इस पिंजरे की मैना कब आएगी? अच्छा सुनिए सपना, रात को अच्छी नींद आई क्या तुम्हें? और नींद क्यों नहीं आई आपको? अच्छा रात में दूध में क्या मिलाया था आपने? दूध में बताइए ना क्या मिलाया था? और क्या मिलाया? शक्कर मिलाया होगा और क्या? तो फिर मैं ऐसे कैसे सो गई? ज्यादा सो गई क्या? मिलावट वाला दूध होगा, अभी भी न्यूज में वही आ रहा था। ओ, समझ गई, जल्दी चेंज करना होगा। पति को? नहीं, दूध वाले को। चलो अच्छा है, मैं बच गया। क्या चाहिए आपको? मेरा 100 रुपए का नोट नीचे गिर गया है। ये लो। छुपा ले, छुपा ले, छुपा ले। वो 100 रुपया अपने पास ही छुपा ले। वो क्यों? परसों तुम्हारे सर ने 100 रुपया दिया। क्यों दिया? उन्हें तो कुछ चूहे का प्रॉब्लम है। मेरा भी तो वही प्रॉब्लम है ना, तुम अगर हाँ कहोगी तो मैं दीवार फांद कर आ जाऊंगा। इस उम्र में दीवार फांदोगे तो पैर टूट जाएगा। ये लो तुम्हारा 100 रुपया,
ये ऐसे क्यों भड़क कर भाग गई? उसका 100 रुपए लिया, मेरा 100 रुपए छोड़ दिया, तो इसका मतलब पॉइंट कैच करने में मुझसे कोई गड़बड़ी हो गई। क्यों जी? उस दीवार के पास खड़े क्या कर रहे हो? नौकरानी को लाइन मार रहे हो? अरे नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। उन लोगों के घर में करंट है कि नहीं ये पता लगाने के लिए आया मैं। खुद के करंट के बारे में पता नहीं, दूसरों के घर के करंट के बारे में फिक्र हो रही है तुम्हें? क्यों जी, ऐसे शर्मा क्यों रहे हैं? क्या बोलूं मैं, इतने दिनों से हमारी सुहागरात नहीं हो पाई, इसके लिए खुद को ब्लेम कर रहे हैं क्या? सबका? कहीं आप में ही तो कुछ कमी नहीं है ना? बिना टेस्टिंग के कैसे पता चलेगा कमी है कि नहीं है? तो फिर शर्मा क्यों रहे हैं? वो क्या है, पहली दो रात में तो तुम शर्मा रही थी ना, जो कि रूटीन में हर लड़कियां करती हैं, रूटीन ब्रेक। अब इस नाइट में मैं शर्मा रहा हूं। ये तो वैसे ही जैसे स्विच ऑन करने के बाद पावर कट। मैं देख कर आता हूँ, रुको तुम पियो। क्यों, क्या वो क्या है ना साहब जी, बहुत सारी आवाजें आ रही है। आवाज? हमने तो अभी कुछ शुरू भी नहीं किया। आपके रूम से आवाज नहीं, मेरे रूम से आ रही है। मैं यही सो जाती हूँ। सुनो 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 सुनो, तुम यहाँ नहीं सो सकती। मैं वो सब कुछ नहीं जानती, मुझे आवाजों से बहुत डर लगता है साहब जी। अरे तुम बोलो। सुने दीजिए ना, ये रहेगी तो हमें भी डर नहीं लगेगा। सपना वो यहाँ रहेगी तो हमें डिस्टर्ब होगा। डरी हुई है, मुझे तो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, मैं पलट के सो जाऊंगी। खेल शुरू हुआ नहीं, ऑडियंस पहले ही आ गई। आराम से सो जाओ, दूध पड़ा है वो भी पी लेना। आप भी ना, चलिए। वो डोर बंद कर, नहीं नहीं ओपन ही रहने दो, वैसे भी क्या होने वाला है। ए भगवान। साइड पार्किंग ही ठीक है। जाने दीजिए ना सर। देखिए अच्छा नहीं होगा, मैं मैडम जी को बता दूंगी। साहब जी, मैडम है ना आपके साथ, क्यों मुझे सता रहे हैं? ये क्या बोल रही है? साहब जी, मैडम जी के सामने कैसे हिम्मत कर सकते हैं आप? हे, वो सपना, मैं वाटर बोतल लेने के लिए आया हुआ था कसम से। मैंने कुछ कहा क्या आपसे? आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? आकर सो जाइए। मैडम जी, मुझे यहाँ पर सोने में बहुत डर लग रहा है। ठीक है, तू आकर यहाँ सो जा। फिर मैं? आप वहीं सो जाइए ना। क्या? क्या जिंदगी है मेरी भी। सो जा सपना। सो जाइए, नींद कहाँ आने वाली है। अच्छा बहुत होशियारी की, ताकि तेरी बीवी को किसी तरह शक ना हो सके। कल देख तेरी नई तरीके से बैंड बजाता। इसकी ऐसी की तैसी, तो इसका मतलब इसका परमानेंट एड्रेस यही है। अब तो तू गया बेटा। इस बॉम्ब से तेरा घर उड़ा दूंगा, बस तू सो जा बेटा, सो जा। हैं? आज तो बेटा तू यमराज के साथ जाने की तैयारी कर ले, तेरा भेजा ऐसा उड़ाऊंगा ना। नमस्ते साहब। This is too bad and too arrest. Too bad and too arrest. ये आपका था क्या कलाम है? Yeah. किसे मारने के लिए बॉम्ब लगा रहे हो? हाँ? हाँ? चूहा है अंदर। चूहा? मैं तुम्हें कोई गधा नजर आ रहा हूँ क्या? अभी तो बिल्कुल नहीं सर, दो तीन मीटिंग के बाद ही डिसाइड कर सकता हूँ सर। अब चूहा सोया है। जो चूहा धुएं से भाग सकता है उसे बॉम्ब से उड़ा रहे हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अब तू जरूर कोई बड़े मर्डर का प्लान कर रहा है। पागल हो गया क्या? चल पुलिस स्टेशन चल। एक्चुअली वो क्या है कि जरा उधर देखिए सर। कंडीशन नंबर 6, घर में ना तो चूहा रहेगा और ना घूमेगा।
वो यही बात है सर। ऐसा हुआ क्या? हाँ सर, पुलिस स्टेशन जाने से मेरी कंडीशन मिस हुई है, ससुर जी को पता चल जाएगा। प्लीज सर कुछ भी करके छोड़ दीजिए। मेरा हाथ पकड़ेगा तो छोड़ दूंगा क्या? तो फिर आपका क्या पकड़ो सर? दाढ़ी पकड़ेगा तो छोड़ दूंगा। अरे ठीक है, पैर पकड़ लेता हूँ। पैर पकड़ेगा तो छोड़ दूंगा क्या? दिस इज टू बैड एंड टू अरेस्ट। 10,000 दो, छोड़ दूंगा तुम्हें। उतने पैसे मेरे पास नहीं है। नो प्रॉब्लम, पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं है। ये लो, इसके ऊपर अपना साइन करो। साइन? ये क्या है सर? प्रॉमिसरी नोट। आपके पास ये फैसिलिटी भी है? या, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए। कस्टमर में सिर्फ कस्ट है, सेटिस्फेक्शन कहाँ है सर? दिस इज टू बैड, गुड एंड टू बेस्ट सर। साइन कहाँ करते हैं? कम ऑन, साइन इट। जनरली चूहे तो घर में इधर उधर घूमते रहते हैं। चार पांच मिनट यहाँ वहाँ लगाएगा तो भागते भागते आकर चूहा उसमें चिपक जाएगा और उधर ही मर जाएगा। पक्का ना? पक्का। तुम्हें पता है बालू को स्वीट्स बहुत पसंद है, तुम्हें बनाना आता है क्या? बनाती हूँ ना मैडम जी। क्या क्या आता है? लड्डू, कलाकंद, रसमलाई, बालूसा, बहुत कुछ बनाती हूँ। अच्छा बनाती हूँ क्या? हाँ, हमारे घर में तो मैं ही बनाती हूँ। ऐसा बनाती हूँ कि सब खा जाते हैं, एक भी नहीं छोड़ते। आपको भी बहुत पसंद आएगा मैडम जी। सुनिए जी, इस वक्त आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं वॉकिंग से आ रहा हूँ, पैर में थोड़ा दर्द था। तो फिर ऊपर क्यों जा रहे हैं? सोने के लिए। अभी सोने का वक्त है क्या? नहीं, वो टीवी है ना ऊपर? ऊपर टीवी नहीं है। नहीं है? हाँ, यहीं पर है। देखता हूँ। ठीक है, तुम जाओ, तुम डिस्कशन करो। क्यों जी, इतने सीरियसली क्या देख रहे हैं? कॉमेडी फिल्म है ना। सपना, जल्दी से काम करके सो जाओ, बाद में। मैडम जी, सो जाने की बात आ जाऊंगी साहब जी। चूहे से भी ज्यादा खतरनाक है ये तो, बाप रे। सुनिए जी, अब मूवी बंद कर दीजिए, अपने सीरियल का टाइम हो गया है। हाँ ठीक है। सीरियल खत्म होने के बाद आ जाइए जी। तुम्हें तो उसके लिए मैट जरूरी है, और ये सीरियल और सिनेमा देखने के लिए बुला रही है। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। क्या बे? रैट मैट से मैच फिक्सिंग की है? क्यों जी? आज बहुत अच्छे मूड में लग रहे हैं। बोले तो रहना ही चाहिए अच्छे मूड में, इतनी ब्यूटीफुल वाइफ है तो मूड तो अच्छा ही रहेगा ना। आजा, आजा। क्या कर रहे हैं आप ये? वो पेट में दर्द हो रहा था। जैसे बच्चों को स्कूल जाने के लिए पेट दर्द होता है, आपको हमेशा इसी टाइम पे पेट दर्द होता है। वो क्या है, कॉमेडी फिल्म देखता हूँ तो बहुत हंसता हूँ ना, इसीलिए। आप इतना भी नहीं हंसे कि पेट में दर्द हो जाए। मन से बहुत हंसता हूँ ना मैं। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बैड नाइट। क्यों बे, मैच फिक्सिंग करके सो रहा है? अरे 12 बज गए, मैट लगाना है। अब हो गया तेरा काउंटडाउन स्टार्ट। अब आओ बेटा, तुझसे ज्यादा हम चूहों का दिमाग चलता है। फुस्की? क्या बोला बे? फुस्की बोला, फुस्की है? गधी की जैसा पढ़ा है पर कोई फायदा नहीं है। तो
जी। शायद साहब जी सिग्नल दे रहे हैं। इधर इधर। यहाँ नहीं साहब जी, मैडम जी देखेंगी तो क्या कहेंगी। तेरी तो यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ इसलिए बुला रहा हूँ, नीचे देख। बस इतना ही ना, मैं निकालती हूँ। ये क्या किया तुमने? अभी तक तो मेरा ही पैर फंसा था, तुमने भी अपना फंसा दिया है। अरे ये क्या कर दिया तुमने? ये क्या हो गया साहब जी? अरे हो गया क्या? आप तो दबा कर रख पक्का है। अरे एक मिनट, ओके स्टार्ट। तुम लोगों की एक और फिटिंग करता हूँ अब मैं। इतनी गहरी नींद में सो रही है। उठ उठ उठ। ये कहाँ चले गए? सुनिए, भालू साहब जी, कहाँ हैं आप? सुनिए जी, साहब जी क्या कर रहे हैं? कहाँ चले गए? भालू, भालू कहाँ चले गए पता नहीं। अरे बाप रे, कहाँ गए थे? अब झाड़ू के जैसे कोने में क्यों बैठे हो? वो क्या है कि अपनी फर्स्ट नेट में बहुत प्रॉब्लम आ रही है ना, तो इस कोने में बैठकर ध्यान करेंगे तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ऐसा एक महात्मा कह रहे थे। तुम एक काम करो, तुम बेडरूम में जाओ है? अब आकर सो जाओ। क्या हुआ? अरे हुआ, आप आ रहे हैं या नहीं? जल्दी आइए, मुझे नींद आ रही है। अरे बॉस, बहुत देर सोचने के बाद चूहे के प्रॉब्लम का एक सलूशन मिला है। क्या है वो? केक। ओहो, फिर से केक काट के बुके के साथ उस चूहे का बर्थडे करने का अपना आइडिया ना अपने पास ही रख चुपचाप। उसका बर्थडे नहीं बॉस, डेथ डे। सीधे सीधे बोल, समझ में नहीं आ रही मुझे। सिंपल बॉस, रेड केक लेकर जाएंगे और उसके टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर रख देते हैं, अगर उसे कोई भी चूहा खाएगा तो फिर वो उधर ही मर जाएगा। हाँ, पक्का मरेगा ना? पक्का, 100% गारंटी, लिख के ले ले। हाँ। तो फिर चलते हैं। सपना सपना सपना। मैडम जी तो बाहर गई हैं। फिर हम दोनों घर में अकेले हैं क्या? जी साहब जी। यस यस यस, वाह, इतने दिनों बाद इतना अच्छा मौका मिला है। तो फिर शुरू करते हैं साहब। बिल्कुल, बिना मौका गवाए आज तो तुम्हारा काम तमाम करके ही दम लूंगा। दरवाजा बंद कर दो। जल्दी जल्दी जल्दी। अरे क्या कर रही हो? अरे छोड़ो छोड़ो, अरे पागल हो गई हो क्या? छी, एक लड़का लड़की दरवाजा क्यों बंद करते हैं आपको? अरे पता तुम नहीं? तो कुछ और ही समझ रही है, तेरे बारे में मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है। एक काम कर, तू जाके अपना काम कर, मुझे छोड़ दे। आपने ही सिग्नल दिया था ना? अरे मैं क्या ट्रैफिक पुलिस वाला हूँ, मैं रेड केक लेकर के आया हूँ, इसे घर के कोने कोने में रखना है। मैडम के आने के पहले मैं ये काम कर लेता हूँ। ओके, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। हेलो सर। हेलो। काम वाली बाई के लिए वेट कर रहे हैं क्या सर? धीरे बोलो, नहीं तो मेरी बीवी छोड़ देगी मुझे। देखो सभी काम वाली बाई हर किसी के काम की नहीं होती। तो सर वेटिंग क्यों? अपनी बीवी के लिए। मैं भी उसी के लिए। ये क्या नया पॉइंट? मेरी बीवी के लिए तू क्यों वेट कर रहा है? आपकी बीवी के लिए नहीं सर, अपनी बीवी के लिए। ओ, मतलब तुम्हारी बीवी भी आने वाली है। हाँ जी। और एक नई बात मालूम है क्या तुम्हें? मालूम नहीं सर। वो बाजू वाली गली में सुब्बा राम है ना, उन लोगों के घर में चूहा है। क्या कहा आपने? चूहा है बोलने पर ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कि मैंने तुझे बोला वो हाथी है। इतना नहीं करने का ना, सॉरी सर, बोलिए सर। उस चूहे को मारने के लिए पता है सुब्बा राव रैट केक लेके आया है। वो केक खाकर चूहा मर चुका होगा सर। वो नहीं मरा, सुब्बा राव उसकी वाइफ से प्यार नहीं करता, इसलिए उसकी वाइफ ने वो केक खाया और मर गई। अरे बाप रे, ये रैट केक तो सपना खा रही है। ओह गॉड, बालू फ्री में मिलेगा तो कुछ भी खा लोगी, पता है क्या ये? निकलो इसे। क्या कर रहे हो
हो तुम ये? तुम्हें नहीं मालूम है, तुम अभी चिल्लाओ मत। तुम्हें कैसे बचाना ये मैं जानता हूँ। रोजा नींबू पानी है क्या? नींबू नींबू का रस नहीं, इमली का पानी है सर। चलेगा चलेगा। सर सर सर। सपना, अरे कहाँ हो सपना? सपना बाप रे कहाँ चली गई, अभी तो यही थी। अरे जिंदा है, ये लो पी लो इसको। क्या है ये? इमली का पानी है ये, पी लो पी लो। पियो पियो। क्या है ये? अरे उल्टी करवा रहा हूँ पागल, चुपचाप पी लो इसे। पियो पियो। उल्टी क्या क्या उल्टी क्या? Oh my God! Thanks God! Congrats बालू! You did it! हाय हाय मैडम जी, माँ बनने वाली है, मैडम जी माँ बनने वाली है। मुंह बंद करके जाए यहाँ से। क्या हो गया आपको, क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं? मुझे नहीं, तुम्हें कुछ हो गया, जीवन से परेशान होकर सुसाइड करने जा रही थी तुम। सुसाइड? और नहीं तो क्या, रेड केक क्यों खाया? मैं तो चॉकलेट खा रही थी। चॉकलेट? वो चॉकलेट था क्या? हमारे घर में रेड केक क्यों? क्यों रहेगा, जब हमारे घर में चूहा ही नहीं है तो क्यों रहेगा? चूहा? नहीं नहीं वो नहीं, रेड केक क्यों? रेड केक क्यों रहेगा जब चूहा ही नहीं है? पेट में बहुत गुड़गुड़ हो रहा है। थोड़ी देर के बाद सब ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर में सनसेट होने वाला है, फिर हम दोनों आपस में सेट हो जाएंगे और फिर हम दोनों। अब तो चूहा पक्का मर चुका होगा। शायद उस वाले में। ये भी खाकर नहीं मरा। खाकर मर गया सर जी। कहाँ मरा? कहाँ? दिखा। सच में मर गया? सही कह रही है? आ जाइए दिखाती हूँ। आ जाइए। चलो। वो देखिए। मैं कितना खुश हूँ तुम्हें पता है? मजा आ गया, मजा आ गया। मैडम जी घर पे हैं, आप फिलहाल ऐसे नहीं कर सकते। अरे मैं तुम्हारी वजह से नहीं, उसकी वजह से खुश हूँ। आप इतने खुश क्यों हैं सर जी? अच्छा ठीक है, तुम जाके कैरी बैग लेकर आओ। मैडम के जागने से पहले हम इसे ठिकाने लगा देंगे। हाँ। चा, 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 चा। अबे अबे चिये, बहुत खेल खेला तुमने मेरे साथ है, अब मैं खेल खेलूंगा, तुझे तो जहन्नुम में पहुंचाऊंगा। जाओ। एक बात याद रख, तू आदमी नहीं है बेटा, चूहा है चूहा, औकात में रह अपनी। सुनिए जी, ये फ्लूट कहाँ से मिली? आप फ्लूट भी बजाते हैं क्या? अरे सपना, फ्लोरिस्ट होने से पहले मैं फ्लूटिस्ट ही था। जब मैं फ्लूट बजाता था तो उस राग से पत्थर भी चूर हो जाते थे, तानसेन की आत्मा आ जाती थी। एक बार बजाइए ना। अभी? इतने मेहनत से ये घर बनाया है, कहीं सब गिर गया तो क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे हम लोग, तुम भी ना। अच्छा एक बार बजाइए ना प्लीज। अब वो क्या है कि बजाने के लिए मूड होना चाहिए ना। ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, बजाइए ना। जो प्रोफेशनल होते हैं वो किसी के बोलने से नहीं बजाया करते। मैं प्रोफेशनल हूँ, सो फर्स्ट टेक अ सीट, जाकर के बैठो। एक पूरा माहौल होना चाहिए, आई एम प्रोफेशनल। रेडी हो ना तुम? रेडी। फ्लो में आओ तो डिस्टर्ब मत करना। फ्लो बाद में, पहले बजाना शुरू कीजिए। बजाता हूँ। क्यों बे, मुझे मरा हुआ समझ लिया? उस वक्त मैं सिर्फ बेहोश हो गया था, भगवान का चूहा हूँ मैं, नहीं मरने वाला। कहानी सुनकर कोई भी रो पड़ेगा।
लेकिन आप चिंता मत करो सर। अरे मैं रो नहीं रहा हूँ। इतनी कॉमेडी स्टोरी सुनाएगा तो रोएगा कौन? हंसना तो पड़ेगा और मेरी हंसी रुक नहीं रही है। देखो भालू, तेरा मेरा कोई खास रिश्ता है ना, फिर भी बिल्ली और चूहे की दुश्मनी होने की वजह से मैं तुम्हें उस चूहे से जरूर। छोड़ दिया माजी, कब का छोड़ दिया सर? बिल्कुल ठीक है, तो फिर चूहे की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? ये देखो इस बिल्ली से, इसे अगर ले जाकर तुम्हारे घर में छोड़ दूंगा तो आखिर में तुम्हें उस चूहे की हड्डी भी नहीं मिलेगी। शाबाश सर, अगर मैं इस बिल्ली को अपने घर पर ले जाऊं तो मेरे ससुर जी को ये डाउट हो सकता है कि मेरे घर में चूहा है और मेरी बीवी को भी। सुनो हाँ, किसी को भी डाउट नहीं होगा, इसे तुम्हारे घर के अंदर कैसे पहुंचाना है ये सब मैंने सोच लिया, मेरे ऊपर छोड़ दे। कौन है बे? सर नमस्ते, बैठिए नमस्ते। सपना। हाँ सपना, आ रही हूँ जी। क्या हुआ बताओ, ये लोग कौन है? बताएगी बताएगी कौन है? नहीं पहचानी? मैं बताता हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं, मैं बताता हूँ उसे। ओके। देखो सपना, मैं इसके मामा का और उसके दूर के चाचा का, छोटे भाई के बड़े भाई का, दोस्त के साडू भाई का एक छोटा सा छोटा भाई हूँ। कंफ्यूज हो गई क्या? ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, तुम्हारे चाचा लगेंगे। शादी में देखा होगा इन्हें, कोने में बैठ करके बिरयानी खा रहे हैं। मुझे याद नहीं। अरे दुल्हा दुल्हन शादी में आए हुए सभी लोगों को देखते हैं क्या? आप भी मेरी तरफ नहीं देखते हैं? अरे इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है, बैठिए बैठिए बैठिए। बैठ जाओ बेटी। अरे बालू मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम दोनों को एक शादी में जाना है अर्जेंट। तो फिर जाइए, वो बोलने के लिए आना जरूरी था क्या? वो नहीं है, शादी में आने के टाइम बिल्ली को अपने साथ लेकर वहाँ बिल्कुल नहीं आना है, ऐसा इनविटेशन कार्ड पे छपा हुआ है। देखो इसीलिए बेटा, हमारे शादी में जाकर आने तक हमारी प्यारी सी बिल्ली को तुम्हारे पास रखना नहीं होगा। बिल्ली नल्ली चूहा तोता कुत्ता सियार ये सब हम लोग नहीं रख सकते, पहले ससुर जी से पूछिए। क्यों सपना? क्यों बेटा, शादी होने से पहले तूने हमारे गधे को रखा था कि नहीं? क्या गधे को रख लिया था? अरे रख लिया मतलब कुछ दिनों के लिए, लोग बाहर जा रहे थे तो गधे को हमारे घर पर रख करके गए थे कुछ दिनों के लिए। सही है सही, अभी वैसे ही हमारे बिल्ली को भी रख लेगा ना तू मियाओ? अब वो सब नहीं चलेगा। ठीक है बेटा, ए लगता है शादी होने के बाद तू बहुत बदल गया है। लेकिन ये पहले तो ऐसा नहीं था, इसकी संगत में बदल गया जी। क्यों मियाओ? मियाओ आप इनकी बातों का बुरा मत मानिए, आप इसे यहीं छोड़कर जा सकते हैं। सपना मैं ना बोल रहा हूँ और तुम हाँ बोल रही हो, क्यों? आपके रिश्तेदारों में मेरी इमेज खराब हो जाएगी, आप कुछ मत कहिए। अच्छा। सपना रात को आ जाओगी ना? फंक्शन शाम को है ना, कैसे आऊंगी? और अगर मायके जाने के बाद वहाँ एक दिन नहीं रुकी तो मम्मी को बुरा लगेगा ना। लेकिन मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा सपना? बिल्ली है ना, उससे टाइम पास हो जाएगा, हम लोग जल्दी लौट आएंगे। चलो रोजा। गुस्सा होकर के मुंह क्यों घुमा लिया? दूध पी? बाप रे, दूध में पानी मिलाया समझ रही हो क्या? हेलो ए हेलो, तुम्हें क्या लग रहा है बिल्ली कि मैं तुम्हें ठीक से पाल नहीं पाऊंगा? हैं तुझे बुला रहा हूं। फोन। हेलो, बिल्ली गुस्सा होकर दूध नहीं पी रही है क्या? आपको कैसे पता? बिल्ली अगर चुपचाप बैठी है तो ये मत समझना कि उसे भूख नहीं लगी है, वो सिर्फ 5 स्टार का खाना खाती है। इस बिल्ली के इतने नखरे हैं क्या? उसकी फूड लिस्ट उसके बास्केट में, ऐसा बोला था ना मैंने। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी लिस्ट है सर। लिस्ट बड़ी हुई तो क्या हुआ, आइटम तो कम है। एक बार पढ़ के दिखाओ मियाँ। बालाजी का चिकन बिरयानी, पैराडाइज चिल्ली चिकन, केश बहार चिकन 65, बास्किंग 31 ब्रामिक्स आइसक्रीम। बाप रे, इतने आइटम तो बचपन में मेरे माँ बाप ने नहीं खिलाया होगा मुझे, इस बिल्ली ने तो मेरा बजट ही हिला दिया है। था महक आने लगी इसे अपने पसंद की चीजों की। ये लो खाओ 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 खालो 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 प्लीज खालो, तेरे ही अच्छे दिन चल रहे हैं बेटा। तू कितना भी खाएगी मैं तुझे खिलाऊंगा प्यार से, बस तेरा जो काम है ना वो कर देना, उस चूहे से मुझे छुटकारा चाहिए कैसे भी करके। गधे का अंडा तो नहीं आना रे। तेरे दिन अब पूरे होने वाले हैं बेटा, इंतजाम हो गया है तेरे लिए, इंतजाम कर दिया मैंने। खाने के बाद ये मीठा पान खाती है और वो मीठा पान बेटा तू ही। अच्छा? है खा लो खाओ एंड वॉश करके आता हूँ। मैं यहाँ हूँ तो टीवी किसने चलाया?
अब तो तेरे पास ये टैलेंट भी है? खाना सब खत्म कर दिया क्या? अरे यही है वो चूहा, यही है, यही है, पकड़ ले उसे, पकड़ ले, पकड़ ले, पकड़ ले। एनिमी, माय डियर एनिमी। अबे तुम दोनों दोस्त हो क्या? क्या ये? अबे ये घर है या सर्कस है? क्या हो रहा है ये? सर्कस ही है, टीवी मेरा, मस्ती तुम लोगों की। क्यों बे? तेरा बिल्ली होना ही बेकार है, बगल में फाइव स्टार होटल का खाना रखकर चूहे से आइटम डांस करा रही है। ऐसे नहीं चलेगा, तुझे तो मैं ईश्वर का खाना खाएगी। अभी करता हूँ तेरी शिकायत। बिल्ली को लाके क्या उखाड़ लिया मेरा, देखा खुद ही उखड़ गया। अरे वाह आ गए। क्यों दामाद जी, मेरी बेटी के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते है ना? क्यों नहीं रह सकते, बिल्ली साथ में है ना। मैंने बताया था ना मम्मी, इनके रिश्तेदार बिल्ली को हमारे घर छोड़कर गए थे, वही। बालू बिल्ली को खाना दिया था ना? उसने मुझे ही खा लिया। अरे कितना काट दिया। और नहीं तो क्या? तो आपको पेट में इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। बिल्ली ने काटा, कुत्ते ने नहीं। काश आपको काटने की बजाय उस बिल्ली ने मुझे ही काट लिया होता। लो बिल्ली का शिकार चूहा होता है, हाथी नहीं होता। वो जोक करने की आदत है ना। जोक ही बनकर रह गई हूँ, मुझ में और हाथी में एक ही अंतर है, उसकी पूंछ है और मेरी पूंछ नहीं है, बस इतना ही। लगता है मान गई तेरी मम्मी। क्या हुआ, वो काम वाली बाई नहीं आई? उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो गाँव चली गई। लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी तो? तकलीफ क्यों होगी, मैं कोई दूसरी ढूंढ लूंगी ना। ठीक है, आइए आइए, आ जा आ जा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सपना जी नहीं है क्या? है वो, आइए आइए आइए। सपना, देखो तुम्हारी फ्रेंड आई है। कौन है? तुम्हारी फ्रेंड है ना? हाय दिस इज रम्या। ओ रम्या, ये मेरी फ्रेंड नहीं है जी, ऑनलाइन से बुक की है ना, वही काम वाली है। काम वाली है ये? ऑनलाइन में काम वाली भी मिलती है क्या? हाँ ऑनलाइन में काम वाली ही नहीं, सब कुछ मिल जाता है आंटी। हाँ ठीक है ठीक है, जाकर बर्तन धो। ओके, मेरा रूम कहाँ पर है? और एसी तो है ना? हीटर भी है। वो जाड़े के मौसम के लिए जरूरत पड़ती है। थैंक यू। कौन सी साइट से सेलेक्ट किया सपना? onlineservant.com से। अच्छा। रुक जा, ये कैसी ड्रेस पहनी है तूने? यहाँ काम करने के लिए आई है या फैशन शो करने? ये है हमारा ड्रेस कोड। माँ जी ऑनलाइन जो सामान होते हैं उसकी पैकिंग बड़ी अच्छी होती है। क्या है बेटी, एडजस्ट कर लीजिए मम्मी, हमें काम से मतलब है या उसकी ड्रेस से? काम से। मुझे तो तेरे संसार से मतलब है। नया प्रोडक्ट है, देखता हूँ स्किन पे क्या असर होता है इसका। कितना भी चिल्ला ले तुझे खाना नहीं देने वाला मैं, जब तक चूहे को नहीं मारेगी तुझे खाना नहीं मिलेगा। चल अपना काम कर और जाके चूहे को ढूंढ। सपना दरवाजा बंद कर दो क्या? बंद रखो या खुला रखो क्या फायदा? क्या बात है सपना, नाराज हो क्या मुझसे? अब तुम्हें बिल्ली ने काटा है ना, तो फिर इनसे बातों का क्या फायदा? अब फायदा हो चाहे ना हो मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ, ठीक है? ओके। एनिमी, माय डियर एनिमी, भूख लग रही है क्या? रुक रुक रुक, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। मुझे एक डाउट है जी। ऐसे टाइम में तुम्हें डाउट नहीं आना चाहिए, अगर आएगा तो जल्दी क्लियर कर लेना चाहिए। वो बात नहीं है जी। फिर क्या है जी? तुम्हारे घर से हर महीने काम वाली छोड़कर चली जाती है, बताओ ना क्या बात है जी? उसे सस्पेंस ही रहने दीजिए जी। तुम्हें काले अंगूर, मुझे सफेद अंगूर। ये ना। अब once more, once more। ठीक नहीं कर रही हो तुम। अब फिर से मिस किया तुमने। अब मैं डालूंगा। डालूं?
अरे बाप रे, ये आवाज कैसी थी? शर्म नहीं है तुमको? रुक जाओ, बताती हूँ। अरे रहने दीजिए ना, अभी बताती हूँ। ये लो, ये लो, क्या कर रही है? तुमको नौकरानी ही पसंद आती है? जब देखो तुम गुच्छे उड़ाते रहते हो उसके साथ। छोड़ दो भाभी, इन्हें मारकर आपको ही पाप लगेगा। ऐसे पापी को मार के मुझे क्या पाप लगेगा? अरे इसे तो भयंकर बीमारी लग जाएगी, सड़ सड़ के मरेगा ये एक दिन। मेरा बस चले तो इसे चीर के ही रख दूं। जाओ सड़ के मर जाओ। इतनी उम्र हो गई है फिर भी ऐसा काम करते हो? रोमांस की कोई उम्र नहीं होती है जी। बेशरम कहीं के। ए बालू, जरा इधर तो आ। छी। तेरे घर में जो नई काम वाली आई है वो भी 100 रुपए में खुश हो जाती है क्या? सर ये इतनी उम्र हो गई है फिर भी आपको शर्म नहीं आती है? बहुत पाप पड़ेगा आपको। छी। अरे पाप क्या पड़ेगा, पहले तो चूहा आके हमें इनकरेज करता है और उसके बाद बिल्ली आके हमें पकड़वा देती, मेरी क्या गलती है? बेवजह का कॉमर्शियल ब्रेक। ब्रेक के बाद सुहागरात का कार्यक्रम स्वागतम सुस्वागतम। कैसा स्वागत? सुबह तक अगर तूने उस बिल्ली को नहीं पकड़ा तो उस बिल्ली का मालिक तेरी गर्दन पकड़ेगा। क्या ढूंढ रहे हैं आप? वो चूहा नहीं नहीं, बिल्ली को। बिल्ली कहीं भाग गई है। पता नहीं कहाँ चली गई, मिल नहीं रही है। तुम एक काम करो, आराम से सो जाओ, मैं जाकर के बिल्ली को ढूंढता हूँ, ठीक है? बिल्ली मिल जाएगी तो मैं वापस आ जाऊंगा। म्याऊं म्याऊं म्याऊं। बॉस 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 बॉस, एक गुड न्यूज़ है। न्यूज़ है? बैड न्यूज। अगर पुल्ला राव को मैंने तुरंत उसकी बिल्ली वापस नहीं की तो वो मेरे ससुर के पास चला जाएगा, ऐसी धमकी दे रहा था वो। अरे वो मैटर बाद में, पहले ये मैटर देखो। सनी लियोनी खूबसूरत दिख रही है। अरे ये नहीं, वो बियर के 12 प्रयोग। अब बियर किसके में? तुम्हारा चूहा मैटर सॉल्व होने के लिए इसे पढ़ो बॉस। छे, घर में चूहा ना आए उसे रोकने के लिए का भी प्रयोग किया जा सकता है। क्यों? अल्टरनेट। घर में अगर बियर हो तो घर में चूहा नहीं आता, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अरे बहुत बढ़िया। क्या बात है, एक चक्कर है यार। अगर मैं बियर घर में ले जाऊंगा तो सपना को पता चल जाएगा। अरे बॉस, किसी भी खाली बोतल में डालकर ले जाओ, ये भी मैं ही बताऊं क्या? सही है यार, ये आइडिया तो पक्का काम कर जाएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैडम जी तो मंदिर गई हुई है। हाँ पता है, मैडम ने फोन करके बोला था। तुम जाके अपना काम करो। ओके सर। रखो। क्या कर रही थी? इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है सर। ये न्यू फ्लेवर कोल्ड ड्रिंक है, इसकी खुशबू भी नई है। तुम जा, कहीं भी चली आती है। ओके सर। जैसी शक्ल है वैसी कपड़े पहन रखे हैं। ऑनलाइन वाली है ना? दामा जी। सासुमा सासुमा, वो क्यों री मेरे ही घर में आके मेरे ही दामाद पर डोले डाल रही है? तुझे तो एक्चुअली व्हाट हैपेंड आंटी? आंटी कौन सी आंटी? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। ये ले। ये लो। एक्चुअली वो क्या है सासू माँ की? वो अब बस कीजिए। अरे सपना, कम से कम मेरी बात तो सुनो। तो मुझे कुछ नहीं सुनना। इतनी परेशानियां क्या कम है जो आप ये सब करके और बढ़ा रहे हैं? सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। अरे क्या कह रही हो सपना? उस दिन मैंने इतने प्यार से खाना बनाया था, लेकिन आपको होटल में जाकर खाना खाना था इसलिए सारा खाना गिरा दिया। जिसे बाहर का खाना अच्छा लगता हो उसे घर का खाना क्यों अच्छा लगेगा? सही कह रही हूँ ना मैं? सपना ये क्या कह रही हो तुम? मैं कसम खा रहा हूँ मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। सपना प्लीज, तुम मेरी बात से हुई है। मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। और इस गलती को कैसे सुधारना है ये मेरे डैडी ही बताएंगे। सपना मेरी बात तो सुनो। छोड़ो सासुमा। सपना, छोटी छोटी बातों के लिए तो हमेशा मटका फोड़ता रहता है और इतना सब होने के बाद भी तू शांति से घूम रहा है। अरे 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 अरे, मुझे तो कितना भोला भाला लड़का लगा वो। जैसे ही बीवी मंदिर चली गई उसने नौकरानी के साथ कल्चरल प्रोग्राम शुरू कर दिया। अरे इतना ही नहीं, मैं वहाँ थी फिर भी उसे कोई डर नहीं लगा। तू क्या और मैं क्या, उसे तो इसका और इसके रखे कंडीशन का भी डर नहीं। अरे घूमता रहेगा या करेगा भी कुछ? अरे ऐसे आंखें फाड़ कर मत देख मुझे, तेरी बेटी की जिंदगी से खेलने वाले के बारे में सोच। मेरा दामाद बहुत अच्छा आदमी है। मेरा दामाद बहुत अच्छा आदमी है, क्यों समझी नहीं क्या? एक मिनट। मेरा दामाद बहुत अच्छा आदमी है।
भी करो। मेरा दामाद क्या है ये? जब देखो अच्छा आदमी कहता रहता है। अच्छा आदमी है तो मटका क्यों फोड़ता है? हाँ डैडी, इसके पहले भी जो नौकरानी हमारे यहाँ थी उसके साथ भी मैंने उन्हें कई बार देखा था। उस समय तो मुझे लगा कि मैं ही उन्हें गलत समझ रही हूँ, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि वो कैसे हैं। अभी पता चला तुझे? बेचारी सुहागरात के दिन बाथरूम में घुसने के बाद ही समझ गई थी मैं। और मैं भी। मुंह बंद कर। तुम लोगों के दिमाग पर सिर्फ शक का पर्दा पड़ा हुआ है। तुम लोगों ने कभी ये सोचा भी है कि अगर वो ऐसा कर रहा है तो आखिर क्यों कर रहा है? कभी सोचने की कोशिश की है तुमने? तुम्हारी ऑनलाइन मंगवाई हुई नौकरानी के भड़काने पर भी मेरा दामाद गलत नहीं करेगा। तेरा दामाद गलत नहीं है और तेरी बेटी खुश नहीं है, तो फिर क्या करता है वो? दोनों की जिंदगी से खेलता है? वो बेचारा नहीं खेल रहा है, अपनी किस्मत खेल रही है। तो फिर क्या मतलब है इसका? हमारा टाइम बुरा चल रहा है। हमारा टाइम बुरा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। पंडित जी को बुलाकर बात करते हैं। हे हां साहब, शादी का मुहूर्त रखने वाले पंडित जी को बुलाकर लाओ। ठीक है साहब, जल्दी जाओ। थैंक यू। ये सीढ़ी देखने से क्या फायदा? इसे देखने से बीवी की याद आएगी, लेकिन बीवी वापस नहीं आएगी। बॉस, मेरी जिंदगी में सूखा पड़ गया है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं यार। तुम्हारा किया हुआ पाप। मैंने क्या किया उस दिन वहाँ मंदिर में? तुमने गणेश जी के बारे में क्या क्या बोला, वो पाप नहीं था? मेरे लिए गणेश जी नहीं, मेरे ससुर ही मेरे लिए भगवान है। ससुर ससुर, अच्छा ससुर, वो पाप नहीं था क्या? भगवान का प्रसाद मुझे पार्सल कर देना, मैं आते वक्त उधर से ले लूंगा। देर हो रही है, देर हो रही है, ये सब पाप नहीं था क्या? गणेश जी को उल्टा पुल्टा बोलने की वजह से उनका वाहन चूहा ही तुम्हारे साथ ऐसा खेल खेल रहा है। तो ये सब मेरे हाथ से की गई गलती की सजा है? हाथ से नहीं, तुम्हारे मुंह से। जुबान काबू में नहीं थी। तेरी जिंदगी में एक ही काम रह गया और वो है बस चूहा मारना। अरे यार, बार बार चूहा चूहा मत बोल, मेरा हार्ट अटैक होने लगता है। ससुर जी का फोन है। बात कर, तू बात कर ले रहा। मैं क्या, तू करना। हेलो ससुर जी। सुनिए दामाद जी, आपको अर्जेंटली लड़की को डिवोर्स देना होगा। ससुर जी प्लीज ऐसा मत कीजिए प्लीज। एक्चुअली वो बात यह है कि वो बात है या ये बात है, ऐसी बात है वैसी बात है, मुझे कुछ नहीं सुनना। बड़े पंडित जी ने कहा है। बड़े पंडित जी ने कहा है? क्या कहा है उन्होंने? ये बात है, उस दिन 9:30 बजे मंगलसूत्र पहनाया गया और उस दिन 9:20 पर अशुभ मुहूर्त आ गया था, तो अशुभ मुहूर्त में शादी करवा दिया। मैंने 9:05 में शादी करवाने को कहा था ना। वो समय पर मंगलसूत्र हमें नहीं मिल पाया तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया गुरुजी। तो फिर गुरुजी, उस दिन अशुभ मुहूर्त में शादी करवाया था इसलिए ऐसा हो रहा है? बिल्कुल उसी कारण से हो रहा है। अशुभ मुहूर्त में मंगलसूत्र पहनाया है तो अब उनको जिंदगी भर अलग अलग रहना पड़ेगा। इसका कोई निवारण है? माँ जी, हर समस्या का कोई समाधान होता है, दोष के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। क्या प्रायश्चित करना है? लाओ इधर मटका फोड़ कर बताइए। ये बताने के लिए मुझे कोई मटका फोड़ने की जरूरत नहीं है महाराज। उस अशुभ मुहूर्त में जो शादी हुई है उसके दोष को खत्म करने के लिए उन दोनों को डिवोर्स के द्वारा अलग कर दो। डिवोर्स के द्वारा? घबराइए मत महाराज, फिर कोई अच्छा सा मुहूर्त देख के लड़का से कहिए कि वो लड़की को मंगलसूत्र पहना दे। अगर ऐसा किया जाए तो फिर संसार की कोई भी परेशानी उनके पास नहीं होगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुहागरात भी ना? दामाद जी तुम भी ना यार। सॉरी ससुर जी, भावनाओं में बह गया था इसलिए थोड़ी जुबान फिसल गई। अब कोई टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये ले पकड़, ये मटका मुझे पकड़ा। ये लीजिए, ये लीजिए, मटका पकड़ कर ही बोला हूं। ठीक है ससुर जी, चलेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तूने पहले क्या बोला था कि मैंने पाप किया है, मुझे पापों की सजा मिल रही है, अब मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी सूखी रहेगी? अबे ये मेरा ससुर जी का बसाया हुआ संसार है। हस्बैंड और वाइफ दोनों की रजामंदी से सेक्शन 13 ऑफ इंडियन मैरिज एक्ट के आधार पर बालू और सपना के डिवोर्स को मंजूरी दी जाती है। हेलो मत बेटी, फूल लगा रही हूँ ना, ठीक से बैठो। क्या कर रही हूँ? लगा रही हूँ आंटी। नहीं लगवाना है, लगवा लीजिए ना। मालिक, शादी आपकी लड़की की है तो आप इतना मेकअप क्यों कर रहे हैं? परसों तेरी बेटी का बर्थडे था तो तूने पूरा केक नहीं खाया। मैंने भी वैसा ही किया। अब ज्यादा बोलेगा तो तेरा मटका फोड़ दूंगा। मुझे डिस्टर्ब मत कर, जा। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। तू है क्या? नहीं, मुझे लगा काम वाली। तूने मुझे काम वाली समझा? अरे तेरी बुरी आदत कब जाएगी? रुक। अरे कहाँ है यहाँ? अरे मैं हूँ बॉस। अरे तू है, मुझे लगा चूहा इसलिए डर गया। ऐसी बातें कर रहे हो? अरे अगर कल तक मैनेज कर लेगा ना
तो चूहे का डर नहीं रहेगा यार। तू हिम्मत से काम ले, डर मत। अरे डर तो तुम रहे हो, मुझे क्यों बोल रहे हो? मुझे बोलने की हिम्मत नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ। लास्ट टाइम मंगलसूत्र मिस हुआ तो शादी में परेशानी हुई, इस बार मंगलसूत्र कहाँ छुपाया पता तुम्हें? कहाँ? इधर देख। अरे बॉस, अगर तुम इस तरह से शादी करोगे तो तुम्हारा गिनीज बुक में नाम आ जाएगा। हाँ, वो तो आएगा ही आएगा। इसके फेस की तो फेसबुक भी नहीं है और ये गिनीज बुक की बात कर रहा है। तेरे जैसे पागल से मुझे किस तरह का खेल खेलना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ चल। मालिक क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों चिल्लाया? कोई तो था जो मेरे पैरों के बीच में घंटी बजा रहा था। लकड़ी से घंटी बजा गया? इस उम्र में आपके साथ ऐसा कौन कर सकता है? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। कहाँ चला गया? मालिक मालिक उधर देखो, उधर देखो ना, शायद यही छुपा होगा। क्या यही है? ओए, अब इस उम्र में इसकी ये क्या आदत हो गई है? ये तो इधर ही आ रही है यार। लगता है फिर घंटी बजाएगी। अरे बाप रे, तू बच पा रहे? नहीं नहीं, मुझे जल्दी मारो। बच गया। तेरी तो कहाँ जाएगा? कैसे कहीं का? हम लोग कपड़े बदल रहे थे, एक पागल अंदर आया। तुम लोग जाओ, मैं देखता हूँ। कहाँ जाऊँ? मालिक मालिक इधर देखो, इधर देखो, कोई तो इधर उधर घूम रहा है। ये देखो, वो जो कोई भी है उसे बाहर निकाल। अभी निकालता हूँ। चल 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 बाहर, चल 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 दिखा, चल। ये देखो मालिक, मालिक ये तो आपके दामाद निकला। दामाद जी। जी ससुर जी। तुम पराई स्त्री के रूम में क्यों गए? नहीं, वो क्या है कि मैं सपना को ढूंढ रहा था। सपना को ढूंढ रहा था। ये सपना तो उधर है बेचारी। मैं भी कितना पागल हूँ। मालिक सपना बोला तो सपना के रूम में जाना चाहिए था ना, ये तो पराई स्त्री के रूम में आया है। सही बोल रहा है ना? तो इसका मतलब दामाद जी का पराई स्त्री को छूने का कंडीशन टूट गया। इधर रहो। अब हो गया ना? हाँ, हो गया है। स्टॉक मंगवा रहा हूँ, जल्दी मंगवा लो। हाँ ठीक है ठीक है। कहाँ चला गया? अभी आ गई लग रहा है। मालिक फिर से घंटी बजाने आई है। दूल्हा बाबू आइए बैठिए बैठिए। कैसे हैं पंडित जी? शादी का नया एक्सपीरियंस ले रहे हैं? हाँ सब आपकी दया है पंडित जी। शादी में भूल हुई, अगर आपने ऐसा नहीं कहा होता तो दूसरी बार शादी नहीं होती मेरी और सपना मुझसे परमानेंट दूर हो जाती। थैंक यू। परमानेंट हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाए इसलिए तो उसने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है। क्या मतलब पंडित जी? पागल कहीं के पंडित के रूप में आया हुआ चूहा हूँ मैं। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं पंडित जी? बच्चों जैसी बातें नहीं कर रहा, चूहे की भाषा बोल रहा हूँ। तो पंडित के रूप में आकर तूने मुझे डिवोर्स दिलाया था है? क्यों? अरे पंडित का रूप तो छोड़, मैं तो किसी भी रूप में आ सकता हूँ। किसी भी रूप में आएगा? शादी रुकवाने के लिए मैं कौन से रूप में आऊंगा और कैसे आऊंगा अगर ये बता तो अपने बाल नोच लेगा। तेरी तो पता नहीं किस किस रूप में आ जाता है। बाप रे, अरे बाप रे, थोड़ा सपना से बात कर दूं तो टेंशन दूर हो जाएगी। कहाँ होगी सपना? सपना से बात कर लेता हूँ। इसका क्या करूं, इसकी जरूरत नहीं है। सपना 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 क्या हुआ जी? क्या है कि क्या चाहिए आपको? एक पप्पी चाहिए थी। हा? वो सब शादी के बाद। शादी के बाद, लेकिन वो तो हो चुकी है ना। पर हमारा डिवोर्स भी तो हो गया है ना। अरे तो कौन सी बहुत बड़ी चीज मांग रहा हो, दे दो ना। चाहिए क्या? हाँ। तो फिर आंखें बंद करो। ठीक है। ये चुभ क्या रहा है? तुम्हारी मूछें आ गई है क्या सपना? क्या हुआ बॉस, तुम ही चिल्लाए थे? मैं ही चिल्लाया था, सपना ही चुआ यार। ऐसा क्या? इसीलिए चिल्लाया था। अब और थोड़ा ज्यादा चिल्लाओगे क्योंकि मैं भी चुहा ही हूँ। क्या बोला? अरे बाप रे। क्यों रे? इतने में ही शौक हो गया? असली शौक तुझे अब देता हूँ, एक बार अपने राइट साइड में तो मुड़ जा। हाथ मुड़। अब इंस्पेक्टर साहब, आप जिसे ढूंढ रहे हैं वही यही बालू है ना? यस मिस्टर बालू, दिस इज टू बैड एंड टू अरेस्ट। यू आर अंडर अरेस्ट। अरेस्ट?
मेरा पेमेंट नहीं करेगा तो अरेस्ट नहीं करूंगा क्या? शादी करवाऊंगा तेरी। करवाइए ना ससुर जी, जरा इधर आइए। अरेस्ट करने से पहले हमारी बिल्ली को दिलवा दीजिए। म्याऊ। बिल्ली भूल गए क्या? चूहा मारने के लिए बिल्ली लिया था ना तुमने? ससुर जी आपको एक सीक्रेट बताता हूं। इधर आइए, इधर आइए। इधर आइए, क्या जरूरत है? क्या सीक्रेट है बताओ मुझे जल्दी। ये लोग आपको मूर्ख बना रहे ससुर जी। ये लोग इंसान नहीं चूहे हैं। ससुर जी देखिए वो जो है ना पूंछ वाला चूहा और वो है वर्दी वाला चूहा। वो लोग मुझे मूर्ख नहीं बना रहे हैं, तू मुझे पागल बना रहा है, समझ गया तू? मेरी बात पे ससुर जी यकीन क्यों नहीं कर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी चूहा है? वो तो चूहे जैसे दिखते हैं। और मैं? तू तो सच में चूहा है यार, तगड़ा मोटा मुस्टंडा चूहा। हमारे यहाँ मूस को भी चूहा ही बोलते हैं। आपको एक बात बताऊँ ससुर जी, यहाँ पे जितने लोग हैं ना सब चूहे हैं। अरे ओ, ये तुम्हारा दामाद पागल हो गया है। मेरा दामाद पागल नहीं है, बहुत दिमाग वाला है ये। असली बात को साइड ट्रैक में डालकर हमें पागल बना रहा है ये। वो नहीं ससुर जी, उन लोगों ने उस दिन जो बताया था कि काम वाले औरत के साथ पीकर तुमने डांस किया था, तो उन पर यकीन नहीं करके मैंने तुम्हें सपोर्ट किया, वही गलती थी मेरी। ऐसी बात नहीं है ससुर जी। मैंने जो भी कंडीशंस रखे थे आज की डेट में सारे फेल हो चुके हैं, जिसे ये प्रूव हो चुका है। इसलिए ना इधर से ये शादी कैंसिल। इसी मुहूर्त में अपनी बेटी की शादी मैं दूसरे के साथ करवाता हूँ। कभी अपना मुंह मत दिखाना मुझे। ऐसा मत बोलिए प्लीज, मेरी गलती के लिए आप मुझे कोई भी सजा दीजिए, मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन शादी कैंसिल मत कीजिए। प्लीज एक बार मुझे माफ कर दीजिए। ये तो अब कभी नहीं हो सकता। जिस तरह टूटा हुआ घड़ा कभी जुड़ नहीं सकता, उसी तरह टूटी हुई शादी नहीं हो सकती। ससुर जी। अरे सर आप उनसे कुछ बोलिए ना सर। मैं क्या बोलूँ यार, ठीक है तू पूछता है इसलिए बोल रहा हूँ। काम वाली तो बहुत सी होती है, लेकिन बीवी हमेशा एक ही होती है, याद रखना मेरी बात। सर आपकी बिल्ली को लेकर आऊंगा मैं। सर आपका पैसा भी मैं दे दूंगा। मेरे ससुर जी को मनाकर मेरी शादी करवा दीजिए प्लीज। हम लोग तो चूहे लोग हैं ना। जो भी है बाद में देख लेंगे, चल हट। क्या बॉस, तुम भी जिससे तुमको पूछना चाहिए उससे नहीं पूछ रहे हो, खाली फोकट में दूसरों से पूछ रहे हो। तो फिर किससे पूछूं? उनसे, गणेश जी से। क्या है ये भगवान, मेरा ससुर ही मेरा भगवान है। मेरे ससुर खुद के बनाए घर में रहते हैं और ये भगवान भक्तों के बनाए मंदिर में रहते हैं। मेरे ससुर 24 कैरेट गोल्ड, मेरे ससुर ही मेरे लिए भगवान है, मेरे ससुर मेरे लिए सब कुछ है। भगवान मुझसे क्या गलती हुई है मैं समझ गया, मुझे माफ कर दीजिए भगवान। कुछ ऐसा कीजिए कि सपना से मेरी शादी हो जाए प्लीज, नहीं तो आपके चरणों में मैं अपनी जान दे दूंगा प्लीज। आ गया ना। तेरे पश्चाताप की वजह से भगवान ने तुझे माफ कर दिया है। तू देखना चाहता था ना कि मैं कौन हूँ, मैं भी उनका ही सेवक हूँ। ये गणेश जी विघ्न दूर करने वाले भगवान हैं और उन्होंने तुम्हारी शादी के सारे विघ्न दूर कर दिए, खुद ही देख लो। ये क्या कह रही हो बेटी, जिसने सारे कंडीशन तोड़ दिए उसी पागल से शादी करने को कह रही हो? आपकी रखी कंडीशंस की वजह से बालू की ये हालत हो गई है। मुझे वेणु ने सब कुछ बता दिया है। तो इन्होंने सब सच बोल दिया। अब किसी की मर्जी हो या ना हो मैं बालू से ही शादी करूंगी, मेरी भी यही कंडीशन है। सपना रुक जाओ बेटी, रुक जाओ। अगर बेटी पापा के सामने मटका फोड़ती है तो पापा के मरने के समान होता है। तू अपना सुहाग पाने के लिए मेरा सुहाग क्यों उजाड़ रही है? हाँ बेटी, ये चाहे जितना भी दुष्ट हो लेकिन है तो मेरा बेटा ना, मुझ पर दया करो बेटी। मेरा सुहाग मेरी झोली में डाल दो। वो मटका मुझे भीख में दे दो ना। हो गया तुम सबका भीख मांगना। बालू ही मेरा दामाद है, ये मैं मटका फोड़ कर कह रहा हूँ। ये था झटका। अब तो खुश है ना, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? प्रॉब्लम है अभी, वो चूहा उधर देख, वो देख वो जा रहा है। सर इधर ये नहीं, इधर ये नहीं, तो चूहा यही थे क्या? दामाद जी मुहूर्त का टाइम हो गया, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हाँ बजाओ बजाओ। हाँ भाई मंगलसूत्र उठाओ, अब गले में पहनाओ। इधर है मंगल यमकं तुनाने ना मम जीवन हे गुना हे बदनामि सुभगे पंजीव शरदाम शतम। हाँ सब लोग अक्षत छीटिए। हाँ आखिर क्लाइमेक्स आ ही गया।
सपना, आई लव यू सपना, आई लव यू, आई लव यू। फिर से चूहा। क्या हो गया जी? अभी आता हूँ मैं, एक मिनट है, एक मिनट है। तुम लोगों को डिस्टर्ब करने नहीं आया हूँ, हैप्पी मैरिड लाइफ बोलने आया हूँ। बाय बाय। क्या हो गया जी, किसे देखकर बाय कह रहे हैं? चंदा मामा को। गुड नाइट सपना। आज से मैं नहीं चिल्लाऊंगा, अब तुम चिल्लाओगी।